हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी ओके है तो प्लीज ओके लिखो। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर बेटा आनंद बेटा विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो ओके लिख दो। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ओके, विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी अगर प्रॉपर हो रही है बेटा तो ओके कर दो। आनंद, निधि, सूरज बेटा विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो ओके लिखो। हेलो बेटा, हेलो। महक, डीपीपी बेटा आपको ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है, सारे लेक्चर की डीपीपी ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है। विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी प्रॉपर है तो ओके तो लिखो, फिर आई कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन का सेकंड पार्ट। तो एक्चुअल में इसमें मसल्स वाला चैप्टर अलग था और स्केलेटल सिस्टम का चैप्टर अलग था, तो उसको सिंगल शॉट में एकदम ब्रेन में सेट करने वाले हैं। कोशिश करेंगे आज एक एक बोन आपको याद हो जाए, ठीक है, बोन के सारे नेम याद हो जाएं और ज्वाइंट याद हो जाएं। यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी तो होती ही है, और क्वेश्चन आता कहां से है? अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ज्वाइंट से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर क्वेश्चन आने की है तो ज्वाइंट से आने की है। तो ज्वाइंट वाले पार्ट को एकदम क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। तो हम जितना भी पढ़ते जाएंगे ज्वाइंट से कोरिलेट करते जाएंगे, क्योंकि ज्वाइंट पर क्वेश्चन आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नंबर इसको भाई 2 स्टेप में लेके चलेंगे। पहले हम आपको नंबर ऑफ बोन दिमाग में सेट करेंगे आपके, फिर हम नेम ऑफ बोन सेट करेंगे, फिर हम ज्वाइंट्स पर आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई एनसीईआरटी साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी विद कंसेप्ट साथ लेके चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनने की है, जितना करा रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम। अगर स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो पता होना चाहिए कि स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है, मेनली बोन एंड कार्टिलेज इंक्लूडेड हैं, ठीक है। यानी स्केलेटल सिस्टम जो है बेटा हमारा बोन और कार्टिलेज के मिलने से बनता है। और अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो बोन हो या कार्टिलेज, ठीक है, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो इसका ओरिजिन क्या होगा? ओरिजिन ऑलवेज मीजोडर्मल, मीजोडर्मल, ठीक है। तो अब यहां जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा कार्टिलेज और बोन, ठीक है। अगर दोनों के अंदर मैंने टिश्यू में बताया भी था कार्टिलेज और बोन के मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है। अगर हम बोन की बात करते हैं तो बोन हार्ड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, बोन हार्ड होते हैं, जबकि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड ना होकर के प्लाइबल होता है, यानी कंप्रेसेबल होता है, कंप्रेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर होती है उसके अंदर, हम अगर कार्टिलेज की बात करते हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं आपको टिश्यू वाले चैप्टर में, बोन एंड कार्टिलेज के मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या था, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ बोन की बात करते हैं तो ध्यान रखना, जब बेबी का बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ 300 बोन होते हैं बॉडी में, जो धीरे 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 फ्यूज होना स्टार्ट होते हैं, और एडल्ट में 206 यानी 206, ठीक है, बोन्स रह जाते हैं। तो एडल्ट में 206 और एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बेबी में जो बोन्स होते हैं बेटा 300 होते हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे फ्यूज होकर के एडल्ट में 206 रह जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की तो ये क्या करता है भाई, स्केलेटल सिस्टम अगर देखोगे तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो हमने आपको बताया था उसी का पार्ट है, क्योंकि मसल्स में मूवमेंट होगा तो मसल्स किससे जुड़े हुए होते हैं? स्केलेटल सिस्टम से। तो स्केलेटल सिस्टम में मूवमेंट होगा, और स्केलेटल सिस्टम में मूवमेंट होगा तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा मींस लोकोमोशन। तो एक्चुअल में इसीलिए इसको भी मूवमेंट एंड लोकोमोशन का पार्ट हमने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन मसल्स और स्केलेटल सिस्टम दोनों पर बेस्ड है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन 206। क्लियर है बिल्कुल, जिसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक करके कि कहां क्या कैसे। तो पूरे स्केलेटल सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल वाला पार्ट क्या हो गया, मिडिल वाला पार्ट। ठीक है, यानी इसके अंदर स्कल आ गई, इसमें वर्टिब्रल कॉलम आ गए, इसमें स्टर्नम आ गया, रिब्स आ गया। तो मिडिल वाला पार्ट आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। और ये लिम्स जितने भी हैं बेटा, ये क्या हो गए, अपेंडिकुलर। और लिम्स को एक्सियल सिस्टम से जोड़ने के लिए क्या होते हैं, गिर्डिल। ठीक है, आप समझ गए होंगे, पेक्टोरल गिर्डिल एंड पैल्विक गिर्डिल। तो पेक्टोरल और पैल्विक गिर्डिल दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, पर दोनों गिर्डिल को हमने अपेंडिकुलर में इंक्लूड किया है। ठीक है, बोथ आर इंक्लूडेड इन अपेंडिकुलर। तो मैं पूरा एक फ्लो डायग्राम बना करके सबसे पहले आपको दिमाग में सेट करने वाला हूं, नेम ऑफ नंबर ऑफ बोन। मैं सच कह रहा हूं, आज आपको सारे बोन के नंबर टिप्स पर होंगे। ठीक है, सारे बोन के नेम टिप्स पर होंगे, जॉइंट टिप्स पर होंगे, ये पक्की बात है आज के लेक्चर में, एकदम क्लियर कट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल स्केलेटल सिस्टम की। मैं पूरे सबसे पहले आपको नंबर ऑफ बोन दिमाग में सेट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर स्केलेटल सिस्टम की, स्केलेटन की बात करते हैं, ह्यूमन स्केलेटन में नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं, 206, 206 एडल्ट के केस में 206। अगर हम 206 बोन को डिवाइड करते हैं, तो हमने बताया था इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और नंबर 2 हम डिवाइड करने वाले हैं इसको अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एक्सियल के अंदर ध्यान रखना है आपको क्या क्या इंक्लूड होगा। तो अभी हमने बात की थी, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपका हेड वाला रीजन पूरा इंक्लूड होगा, वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड होंगे, रिब्स एंड स्टर्नम इंक्लूड होगा। तो इसको कंप्लीट करते हैं पहले। अच्छा, पहले एक बात और बताते हैं आपको, अगर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, ऐसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ बोन 206, एक्सियल पार्ट में नंबर ऑफ बोन, क्योंकि पहले हम नंबर ऑफ बोन पर फोकस कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 80 बोन एक्सियल सिस्टम में, 80 बोन। अपेंडिकुलर में नंबर ऑफ बोन, आप बोलोगे अपेंडिकुलर के अंदर, ठीक है, रिमेनिंग 126 बोन, 126। तो 126 बोन होंगे बेटा अपेंडिकुलर के अंदर, और एक्सियल सिस्टम के अंदर 80 बोन होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, सुपर स्पीड पर आ जाएंगे और एकदम ब्रेन में सेट करेंगे, फिर अगेन रिवीजन। आज मैं पूरा याद करा के ही मानूंगा। ठीक है, तो टोटल बोन कितने हो गए, अगर टोटल काउंट करोगे तो 206 बोन आपके बैठेंगे। तो पहले तो आपको याद रखना है कि एक्सियल सिस्टम में नंबर ऑफ बोन क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे एक्सियल सिस्टम में नंबर ऑफ बोन 80, अपेंडिकुलर विद गिर्डिल आप बोलोगे यहां पर 126 बोन। क्लियर है बिल्कुल, इस 126 बोन को हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे याद रखना। आपके लिम्स बोन की अगर बात करते हैं तो 30 30, लोअर लिम्स में भी जाते हैं 30 30, तो टोटल हो गए 120। अगर गिर्डिल की बात करते हैं तो ऊपर वाले गिर्डिल को तो हम बोलते हैं पैक्टोरल गिर्डिल, और लोअर वाले गिर्डिल को बोलते हैं हम पैल्विक गिर्डिल। पैक्टोरल गिर्डिल में 4 बोन होते हैं, हाफ में 2 और हाफ में 2, आप जानते हो, तो कॉलर बोन होगी। ठीक है, और अगेन इधर कॉलर बोन, और पीछे स्कैपुला। ठीक है, तो क्लियर कट करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर अगेन अगर मैं गिर्डिल की बात करता हूं, पैल्विक गिर्डिल और पैक्टोरल, पैक्टोरल गिर्डिल के अंदर नंबर ऑफ बोन 4 होंगे, और पैल्विक गिर्डिल के अंदर नंबर ऑफ बोन 2 होंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अपेंडिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं नंबर 2 पार्ट के अंदर। भाई गिर्डिल बोन पढ़ेंगे नंबर 1, और फिर हम पढ़ेंगे लिम्स बोन। गिर्डिल बोन को हमने डिवाइड किया है पैल्विक गिर्डिल के अंदर एंड पैक्टोरल गिर्डिल के अंदर। नंबर ऑफ बोन की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ बोन, तो पैल्विक गिर्डिल के अंदर नंबर ऑफ बोन बेटा 2 होंगे, जबकि पैक्टोरल गिर्डिल के अंदर नंबर ऑफ बोन 2 प्लस 2, यानी 4 बोन होंगे। ठीक है, लिम्स बोन की अगर बात करते हैं, वही 4 लिम्स हैं हमारे। ठीक है, अपर लिम, लोअर लिम, तो 30 × 4, यानी कितने हो गए 120। बस, तो 120 और 6 कितने हो गए, 126। तो सबसे पहले राउंड में हम क्या बात करने वाले हैं, नंबर ऑफ बोन। नंबर ऑफ बोन दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर हम नेम ऑफ बोन पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर विद गिर्डिल। ठीक है, एक्सियल स्कैटर सिस्टम में नंबर ऑफ बोन हमने बात की कितना, आप बोलोगे 80, ठीक है 80। जबकि अगर हम बात करते हैं एक्सियल को छोड़ करके अपेंडिकुलर, तो लिम्स में 30, लोअर में 30 एंड 30, तो टोटल 120। और अपर गिडल के अंदर 4 बोन 2 प्लस 2, और लोअर गिडल के अंदर 2 बोन, हाफ ऑफ पैल्विक एंड हाफ ऑफ पैल्विक। क्लियर है बिल्कुल। और दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, जो एक कार्टिलेज है। तो सीधी सी बात है, यहां पर 6 बोन होते हैं। गिडल बोन की बात करते हैं तो 6 हो गए, और लिम्स बोन की बात करते हैं तो 120 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 126। नंबर पहले क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है, नंबर ब्रेन में सेट करना है। तो एक्सियल स्कैटर सिस्टम में 80, अपेंडिकुलर 126, जिसमें अपर गिडल के अंदर ध्यान रखना है आपको 4 बोन, लोअर गिडल में 2 यानी 6 बोन, लिम्स में 30 30 30 30, टोटल 120, विद गिडल 126। तो एक नंबर तो ये वाला नंबर तो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके नंबर की, एक्सियल स्कैटर सिस्टम यानी 80 बोन की बात करते हैं। 80 बोन की अगर बात करते हैं तो उसको हम डिवाइड करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम हेड रीजन में देखेंगे, हेड में कितने नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं। हेड के बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा वर्टिब्रल कॉलम। फिर हम पढ़ने वाले हैं रिब्स एंड स्टर्नम। और यहां हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर आपको क्लियर होगा, काफी कुछ क्लियर होगा भाई। एक्सियल में हेड वाले रीजन के अंदर नंबर ऑफ बोन 29, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नंबर ऑफ बोन 26, और रिब्स एंड स्टर्नम की अगर बात करते हैं तो आप समझ गए कि रिब्स में 12 पेयर यानी 24, स्टर्नम 1 बोन। तो अगर हम नंबर की बात करेंगे तो नंबर क्लियर है, हेड वाले रीजन में 29 बोन होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी लेके चल रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन होते हैं, और रिब्स यानी 12 पेयर यानी 24 प्लस स्टर्नम 1, तो टोटल हो गए 25 बोन। एक बात ये क्लियर हुई, ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हेड वाले रीजन में 29 बोन होते हैं, पर एनसीईआरटी ने हेड वाले रीजन को डिवाइड किया है स्कल के अंदर, ठीक है, और ईयर रॉसिकल के अंदर। हायोड बोन स्कल में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, बट कुछ लोग इंक्लूड करते भी हैं भाई, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, किसी ने हायोड बोन को स्कल में इंक्लूड किया, पर मोस्टली लोगों ने इसको इंक्लूड नहीं किया, पर एनसीईआरटी ने इसको इंक्लूड किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है हायोड बोन ऑल्सो इंक्लूड इन स्कल। मैं भी एनसीईआरटी भी लेके चलूंगा। तो इसके बेस पर हम क्या करना है, क्या भाई किसमें डिवाइड करने वाले हैं, तो इसके बेस पर अगर हम देखते हैं, समझना मेरी बात, तो हेड को हम डिवाइड करेंगे 3 रीजन के अंदर। सबसे पहले 2 रीजन के अंदर स्कल, क्वेश्चन ऐसे आएगा, और सेकंड आपको ध्यान रखना ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल। स्कल वाले रीजन के अंदर बात करते हैं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 22, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी सेम ऐसे लिखा हुआ है 22 प्लस 1, ठीक है, एनसीईआरटी ने सेम इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है स्कल में 22 बोन होते हैं, बट आगे लिखती है हायोड ऑल्सो इंक्लूड इन स्कल, तो टोटल 23, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 23 ध्यान रखना है। ईयर ऑसिकल में 3 प्लस 3, टोटल 6 बोन हो गए। इसको हेड वाले रीजन में काउंट करते हैं, बट स्कल में काउंट नहीं करते ईयर ऑसिकल्स को। आप जानते हो 3 ऑसिकल्स हमारे मिडिल ईयर में इधर होते हैं और 3 इधर होते हैं, मिस MIS, मैलस, इनकस, स्टेपीज, ठीक है। तो अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। स्कल में 22 प्लस 1, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड कर सकते हो, क्या क्या आ गया इसमें, इसमें आ गया क्रेनियम, क्रेनियम में नंबर ऑफ बोन 8, इसमें आ गया फेस, फेशियल बोन, फेशियल बोन कितने हो गए टोटल 14, और इसके अंदर आ गए बेटा हायोड, नंबर ऑफ बोन कितने हो गए 1, तो 14 और 8 22 एंड 1, टोटल हो गए स्कल में 23 बोन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, बिल्कुल। अभी हम नीट पैटर्न से देख रहे हैं जो 20, ठीक है, 1 में अभी आने वाला है, उसके हिसाब से एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा, ओके। फाइनली आगे बढ़ते हैं तो हेड वाले रीजन में अगर आपसे हेड में पूछेगा 29 बोलोगे, स्कल में पूछेगा ठीक है तो 23, 22 + 1 हायोड ऑल्सो इंक्लूडेड इन, ठीक है। और हायोड की बात आप समझते हो, यू शेप बोन होती है, यू शेप बोन होती है, ये एक ऐसी बोन है जो किसी से कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है, लोअर साइड में होती है, अभी डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करेंगे इसको कहाँ होती है, ठीक है, यू शेप होती है, ठीक है। फेशियल और क्रेनियम, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, 8 बोन हमारे ब्रेन बॉक्स के होते हैं, ठीक है, 14 बोन हमारे फेस पर होते हैं बेटा, हायोड नीचे लगी होती है, टोटल 23 बोन हो गए हेड वाले रीजन में, ठीक है। तो हेड वाले रीजन के अंदर हमने स्कल को इंक्लूड कर दिया और ईयर और सिकल, ईयर और सिकल की बात करते हैं तो यहां ध्यान रखना है आपको, मिस MIS भाई 3 बोन होते हैं, मैलस इनकस स्टैपीज, 3 इधर होते हैं और 3 इधर होते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है जो हम ईयर में डिटेल में पढ़ाते ही हैं, ईयर में डायग्राम बना के समझाते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन के अंदर, पर यहां भी हम हिंट दे रहे हैं। अगर मैं M की बात करता हूं यानी मेलस की बात करता हूं तो किससे कनेक्टेड होती है, ठीक है, ये अटैच होती है टिम्पेनम, जबकि अगर मैं S की बात करता हूं ठीक है ये अटैच होती है बेटा इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर की जो विंडो होती है ओवल विंडो उसमें उससे कनेक्टेड होती है इंटरनल ईयर। और इसकी अगर हम बात करते हैं, स्टैपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी, तो 2-3 बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, कि अगर स्टैपीज की बात करते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, और इसकी जो मसल्स होती है स्टैपीडल मसल्स इज द स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। और कनेक्टेड किससे होती है, अटैच विद, कनेक्ट विद आप बोल सकते हो, इंटरनल ईयर, ये टेम्पेनम से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। 3 बोन आपको ध्यान रखने हैं, तो 3 इधर 3 इधर टोटल कितने हो गए, 6 बोन हो गए। तो ईयर और सिकल कितने हो गए, 3 + 3, यहाँ एकदम क्लियर है, ठीक है। अब बता दिए किसकी, वर्टिब्रल कॉलम, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं 26 बोन की बात करते हैं, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लिखाता हूं, बस वही आपको याद रखनी है, क्या, सर्वाइकल C7, थोरैसिक T12, लंबर L5, सैक्रल S1, ऐसी कॉकैक्स या कॉक्सिगियल, ठीक है, C1, पर यहां पर जो है ये 5 बोन के फ्यूज होने से बनती है सिंगल बोन, और यहां पर 4 बोन के फ्यूज होने से बनती है टेल बोन। तो ध्यान रखना है कि यहां 26 बोन होंगे, अगर टोटल काउंट करोगे 7, 12, 5, 1, 1 तो टोटल कितने हो गए, 26, ठीक है। टोटल वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होते हैं। तो ध्यान आपको कैसे रखना है बेटा, भाई नेक वाले रीजन के अंदर सर्वाइकल रीजन 7 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं सर्वाइकल रीजन के अंदर, जो मेमेलियन करेक्टर है, एक्सेप्शनल केस यहां पर भी है, ठीक है, जैसे सी काओ मैनोटी, ठीक है, यहां पर एक्सेप्शनल केस देखने के मिल जाते हैं, बट मोस्टली मैमल्स के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा थोरैसिक, थोरैसिक की बात करते हैं तो थोरैसिक का पार्ट जहां रिब अटैच होते हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम जहां से रिब अटैच होते हैं उसको थोरैसिक बोलते हैं। इनके पास 2 एक्स्ट्रा आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं रिब के अटैचमेंट के लिए नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम से, ये एडिशनल पॉइंट है। अगर मैं बात करता हूं लंबर की, तो लंबर हमारा लंबर कर्व जो लोअर साइड में लंबर कर्व बनता है लोअर साइड में, तो अभी डायग्राम में दिखाएंगे इसको, तो लंबर के अंदर 5 बोन होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, सबसे स्ट्रांग होते हैं और बॉडी के वेट को होल्ड करते हैं, ट्रंक के वेट को, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सैक्रम, सैक्रम ठीक है एक ट्रैंगुलर बोन होती है जो 5 बोन के फ्यूज होने से बनती है, जो पैल्विक रीजन में होती है, अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। और उसके लास्ट में टेल बोन होती है, ठीक है, कॉकैक्स, उसकी बात करते हैं तो वो 4 बोन के फ्यूज होने से बनती है सिंगल बोन, टोटल 26 बोन हो गए, ठीक है। तो टोटल बोन आपको ध्यान रखना है 26, अभी तो मैं नंबर की बात कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं, ओनली नंबर ऑफ बोन, ठीक है, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखनी है। फिर से मैं एक बार बोलता हूं कि टोटल बोन एडल्ट में 206, टोटल बोन एडल्ट में 206, ठीक है, टोटल बोन एडल्ट के अंदर कितने हो गए 206, पहली बात ये दिमाग में रखना है। इन 206 बोन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक तो मिडिल वाला पार्ट एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर के अंदर हमारे गिर्डिल आ जाएंगे और लिम्स आ जाएंगे, लिम्स में 4 लिम्स हैं आपके, ठीक है, तो हर लिम्स में 30 बोन होते हैं, 30, 30 लोअर में 30, 30 टोटल 120 बोन हो गए। अभी नंबर की बात कर रहे हैं, ओनली नंबर की, एक एक करके चलेंगे। और इसके अलावा गिर्डिल, अपर गिर्डिल ठीक है 4 बोन, लोअर गिर्डिल 2 बोन, टोटल कितना हो गया 6, यानी टोटल 126। तो 126 वाला पार्ट एकदम क्लियर है, ठीक है, या मैंने लिख भी दिया कि पेक्टोरल गिर्डल में 2+2, पैल्विक गिर्डल के अंदर 2, टोटल कितना कोई 6, लिम्स के अंदर 120, तो 30 × 4 120, एकदम क्लियर है। या भैया वाला पार्ट एकदम क्लियर है। अगर हम बात करते हैं एक्सियल सिस्टम, तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। हेड वाला रीजन 29, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, 26, रिप्स 12 एंड 12, 24, और सेंटर में क्या आ गया, स्टर्नम 25। काउंट करोगे तो बेटा 80। इसमें हेड वाले रीजन को हमने डिवाइड किया स्कल और ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल को स्कल में इंक्लूड नहीं किया, वैसे तो हायोड को भी नहीं किया जाता है, बट एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख दी है तो मानना पड़ेगा, ठीक है। हायोड ऑल्सो इंक्लूड इन स्कल, तो 23 बोन हो जाते हैं। तो यहां पर 22 + 1 यानी 22 तो डायरेक्टली लिखे हैं, 1 हायोड ऑल्सो इंक्लूड इन स्कल, तो आपको 23 लगा के आने एनसीईआरटी के हिसाब से, अभी एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, ठीक है। ईयर ऑसिकल 3+3 मेलस इनका स्टैपीज, जिसमें ध्यान रखना है आपको, जो एम टिम्पेनम से जुड़ा होता है, एस यानी स्टैपीज स्मॉलेस्ट बोन होती है, इंटरनल ईयर की ओवल विंडो से कनेक्टेड होता है। तो 3+3 ध्यान रखने 6 बोन हो गए। तो नंबर, अभी नंबर की बात कर रहा हूं, ओनली नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर एकदम ब्रेन में सेट करोगे, ठीक है। तो ये नंबर क्लियर हो गया। अब वर्टिकल कॉलम के अंदर बात करते हैं, तो वर्टिकल कॉलम में सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, ठीक है, और फिर सैक्रम 4-5 के फ्यूज होने से सिंगल बोन, और कोकैक्स आप बोलोगे 4 के फ्यूज होने से सिंगल बोन। तो सिंगल के हिसाब से काउंट करोगे 26 बोन। रिप्स में तो कुछ है ही नहीं, 12 पेयर यानी 24, और सिंग सेंटर में स्टर्नम। टोटल काउंट करोगे कितना बैठेगा यहाँ पर, 80 बोन। अब नंबर ऑफ बोन वाली बात तो मुझे लगता है क्लियर होगी। नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 26 को किस तरीके से डिवाइड किया है, पूरा सिस्टम एकदम क्लियर है। 26 कहां किस तरीके से अरेंज है, तो यहां मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपको होना चाहिए 26 के अंदर। ओके, ठीक है, ओके, यहां मान के चलना एकदम क्लियर है आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे आपको ध्यान रखना होगा कि किस किस तरीके से किसको इनमें डिवाइड किया। अब हम बात करेंगे किसकी, एक एक करके चलेंगे। एक्सियल स्कैटर सिस्टम, फिर बात करेंगे अपेंडिकुलर। तो एक्सियल में अब हम नेम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेड वाले रीजन। हेड वाले रीजन में बात करते हैं स्कल। अगर मैं स्कल की बात करता हूं तो स्कल को समझना है, ठीक है। यहां पर हायोड को हमने लास्ट में इंक्लूड कर दिया है। अगर हम स्कल की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन स्कल में कितने होते हैं, अभी बताया। टोटल नंबर ऑफ बोन स्कल में 22 + 1, तो यहां हम बात कर रहे हैं ओनली 22 की, क्योंकि हायोड तो हम बता ही चुके हैं। तो आप 22 को हम किस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं, विद नेम। अब नेम की बात आ रही है, ठीक है। तो स्कल में हम बात करेंगे, बेटा स्कल को हमने क्रेनियम में अलग कर दिया, स्कल को हमने फेस या फेशियल बोन में अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर हम क्रेनियम की बात करते हैं तो क्रेनियम पर फोकस करोगे आप। क्रेनियम का मतलब क्या होता है, ब्रेन बॉक्स, हमारे ब्रेन का बॉक्स, ठीक है। क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स। टोटल नंबर ऑफ बोन ब्रेन बॉक्स में कितने होते हैं, 8। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं बिल्कुल डिटो हम समझाते जाएंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इतना हम करा रहे हैं, ठीक है। क्रेनियम की अगर बात करते हैं तो क्रेनियम में समझना होगा आपको, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। सबसे पहले अगर ब्रेन के पार्ट याद है तो आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। देखो, इस ब्रेन बॉक्स को बनाने के लिए आगे फ्रंट पर एक बोन होती है, इसको फ्रंटल बोलते हैं, फ्रंट पर जो लगी हुई है फ्रंटल, ठीक है। फिर ध्यान रखना है आपको पैराइटल, लेटरल साइड में जो लगी हुई है पेयर में है पैराइटल। फिर जहां पर टिम्पेनम होता है आपका टेम्पोरल, यहां पर टेम्पोरल बोन है, अगेन पेयर में, ठीक है। और पीछे की साइड में ध्यान रखना है भाई, फ्रंटल एक है, पैराइटल पेयर में है, टेम्पोरल पेयर में, और पीछे एक होती है ऑसीपिटल, पीछे एक ऑसीपिटल बोन होगी, सिंगल बोन होगी। तो क्वेश्चन यहां बनेगा पेयर में कितने होते हैं, ठीक है। पेयर और अनपेयर पे फोकस करना है और नेम ध्यान रखने हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटल। नंबर 2 बात करेंगे पैराइटल। नंबर 3 टेम्पोरल। नंबर 4 हम बात करने वाले हैं यहां पर टेम्पोरल के अलावा ऑसिपिटल। अब फाइनली इन चारों बोन को बेस नीचे लोअर साइड से सपोर्ट करती है इस फिनोइड, और आगे की साइड में होती है एथेमॉइड, जो आपके नेजल में एंटर, यहां से होती हुई नेजल वाले अपर कॉन के, याद हो मैंने नोज में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझाया भी था कि नोज में इस तरीके से कॉन के होते हैं, ठीक है। 2 सुपीरियर कॉन के और 1 इन्फीरियर कॉन के। जो सुपीरियर कॉन के जो होते हैं ये इथिमॉइड का प्रोजेक्शन है। इन्फीरियर कौन के जो है बेटा वो ध्यान रखना है, फेशियल बोन का प्रोजेक्शन है, इनफेशियल बोन है। तो कौन के यानी जो नोज में सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो नंबर 5 को ध्यान रखना है आपको, स्फेनॉइड नंबर 6 ध्यान रखना एथेमॉइड। अब अगर नंबर ऑफ बोन की बात करते हैं तो इसमें तो क्वेश्चन आएगा। फ्रंटल कितने होते हैं? फ्रंटल 1। पैराइटल कितने होते हैं? 2। टेम्पोरल कितने होते हैं? 2। ऑसिपिटल कितने होते हैं? 1। स्फेनॉइड कितने होते हैं? 1। और एथेमॉइड कितने होते हैं? 1। अब पूछेंगे पेयर्ड में कितने होते हैं? ओनली 2 ही तो बोन है जो पेयर्ड में है। तो पेयर्ड बोन की जब भी बात आएगी तो ध्यान रखना है आपको, ये पेयर्ड बोन है, इस पे क्वेश्चन आएगा। पेयर्ड बोन के लिए पूछेगा तो पैराइटल पेयर्ड में होती है, टेम्पोरल पेयर्ड में होती है, ऑल आर सिंगल होती हैं। ठीक है, जितने भी बचे हुए हैं सारे के सारे सिंगल। तो क्रेनियम का मतलब ब्रेन बॉक्स, ब्रेन का बॉक्स फ्रंट पर लगा हुआ एक फ्रंटल, लेटरल साइड में बॉक्स को बनाने के लिए पैराइटल, ईयर वाले साइड में टेम्पोरल, पीछे की साइड में एक सिंगल बोन है। ठीक है, सिंगल बोन है ऑसीपिटल, जिसमें एक फोरामैन होता है, ऑसीपिटल फोरामैन। ठीक है, जिसे फोरामैन ऑफ मैग्नम, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास आउट होती है। ठीक है, तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथिमॉइड, नाम याद हो जाएंगे आपको। फ्रंटल ब्रेन के पार्ट भी हम ऐसे याद कराते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इन सबको सपोर्ट दे रही है स्फेनॉइड। और आगे की साइड में जो नोज में एंटर करती है अपर कॉन के बनाती है, नोज के अंदर वाले नेजल चैम्बर के, एथिमॉइड। ठीक है, तो एथिमॉइड ध्यान रखने हैं आपको, नेजल चैम्बर में जो कॉन के प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, इन प्रोजेक्शंस को, अपर 2 प्रोजेक्शंस को बनाने के लिए यही बोन रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि लोअर वाला, सबसे लोअर वाला प्रोजेक्शन होता है वो फेशियल बोन का पार्ट है, इन्फीरियर कॉन के। ठीक है, तो ये क्रेनियम वाला पार्ट एकदम ब्रेन में सेट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फेस, इसको मैं अभी देखो ट्रिक से याद कराता हूं इसको भी। देखो ऐसी ट्रिक नहीं है कोई ये फलाना टिकाना ऐसे ट्रिक बनाते हो, बकवास ट्रिक नहीं है। ठीक है, आपको चलना कैसे है भाई, अपर से चलेंगे, लैक्राइमल ग्लैंड आप जानते हो, टीयर ग्लैंड को बोलते हैं, तो यहां से चलेंगे, यहां पर आएंगे, फिर नोज पर जाएंगे और नोज से सीधे माउथ के ऊपर जाएंगे, तो इस तरीके से फिर नोज से माउथ, आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रखना है आपको, सबसे पहले लैक्राइमल ग्लैंड सब जानते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड पेयर में होते हैं, तो यहां जो बोन होती है जो अंदर की साइड में होती है उसको लैक्राइमल बोन बोलते हैं, पेयर में होगी। तो फेस पे अगर बात करते हो तो नंबर 1 हम बात करने वाले हैं लैक्राइमल। टोटल नंबर ऑफ बोन फेस में कितने होते हैं? 14। चलो 14 की देखते हैं किस तरीके से अरेंजमेंट है। नंबर 1 लैक्राइमल, नंबर ऑफ बोन 2, अभी बात करेंगे, पहले नेम की बात करते हैं। लैक्राइमल ये लैक्राइमल ग्लैंड, समझना मेरी बात, लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल। अब जो बाहर निकले हुए ये वाले पार्ट, इनको बोलते हैं जाइगोमैटिक, जो बाहर निकले हुए हैं यहां से चलेंगे नीचे आएंगे, जाइगोमैटिक। ठीक है, तो आप एक बार खुद भी इसको आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो लैक्राइमल, जाइगोमैटिक, और यहां से सीधे नोज वाले रीजन पे आएंगे, नेजल। ठीक है, तो सीधे लैक्राइमल, देन अगेन जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक के बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर आएगा नेजल, और आगे बढ़ेंगे इसके बाद, नेजल के बाद तो आगे आएगा बेटा, नेजल के बाद ध्यान रखना, मेरे समझो पहले धीरे धीरे चल रहे हैं। दिस इज लैक्राइमल, क्योंकि याद कराना है मुझे आज, लैक्राइमल, देन जाइगोमैटिक, अगेन पेयर में है, और नेजल अपर वाले पार्ट में, नेजल बोन है, ये भी अगेन पेयर में होती है, नेजल। ठीक है, तो नेजल तक आपको ध्यान समझ में आ गया, ये सब पेयर में चल रहा है मामला, पेयर। अब नेजल के बाद नीचे मैंने बताया इन्फीरियर कॉनके समझ में आ गया, टर्मिनेट भी बोलते हैं, फिर से समझा रहा हूं। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो बोला भी था हमने कि ये हमारा नेजल चैम्बर है, पूरा नेजल चैम्बर है। इस तरीके से इस नेजल चैम्बर में इस तरीके से एक बड़ा सा कॉनके होता है, फिर एक छोटा कॉनके होता है और एक और कॉनके होता है। तो जो 1 और 2 अपर वाले कॉनके हैं ये तो मैंने बताया था बेटा एथिमॉइड बोन का प्रोजेक्शन है, और जो लोअर वाला 3rd नंबर का कॉनके है ये बेटा फेशियल बोन का पार्ट है, इंफीरियर। सुपीरियर कॉनके एथिमॉइड बोन के प्रोजेक्शन है और इंफीरियर कॉनके फेशियल बोन, तो इसको बोलेंगे इंफीरियर कॉनके। इन्फीरियर कॉर्न की बात भी हो गई। अब नेजल में जब भी आपने किसी स्कल का डायग्राम देखा होगा फ्रंट पर, तो फ्रंट पर यहां पर एक ट्रेंगुलर बोन नजर आती है स्कल के, कभी स्कल की खोपड़ी कहीं आपको स्कल मिली हो या खोपड़ी मिली हो, ठीक है, उसमें इस तरीके से आपको एक ट्रेंगुलर बोन देखने को मिलेगी, उस ट्रेंगुलर बोन को बोलते हैं वूमर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है, वूमर पे क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे नोज वाला रीजन कंप्लीट हो गया। फिर से बोल रहा हूं, लैक्राइमल वन पेयर, फिर जायगोमेटिक, अब नोज में सबसे पहले नेजल, फिर इन्फीरियर कॉन के नीचे की साइड में दो इन्फीरियर कॉन के, और फिर बूमर, एक ट्रायंगुलर सिंगल बोन होती है बूमर। अब आता है जॉपर, भाई जॉप है अपर जॉब, मैक्सिला टू हाफ बोन के मिलने से बनता है, लोअर जॉ सिंगल बोन के मिलने से बनता है, और अंदर मैंने पैलेट बताया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में, पैलेट भी टू बोन के मिलने से बनता है, इसको पैलेटाइन बोन बोलते हैं। ये पूरा फेस वाला पार्ट हो गया। तो मैंडिबल लिखता हूं पहले मैं, नंबर 7 मैक्सिला, नंबर 8 हम बात करेंगे पैलेट, पैलेट को बनाने के पैलेटाइन, पैलेटाइन बोन। तो ये सारे बोन हो गए फेस के। मैं टिप्स पर चाह रहा हूं आपके, ये सारे बोन आपके याद होने चाहिए। क्वेश्चन जॉइंट से आता है पर बोन मैं आज याद करा दूंगा, ये पक्की बात है, क्योंकि बेसिक बोन पता भी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, दिस इज अ लैक्राइमल, जहां पर लैक्राइमल ग्लैंड होते हैं, टीयर्स ग्लैंड होते हैं, जो बाहर निकल रहे हैं पार्ट जायगोमैटिक। अब नोज में 3 टाइप के बोन होंगे, ऊपर वाली साइड में नेजल बोन, नीचे 2 इन्फीरियर कॉनके, और एक ट्रेंगुलर बोन होती है बेटा, ट्रेंगुलर बोन, ठीक है, ट्रेंगुलर बोन को हम बोलते हैं वूमर, ठीक है। ये 3 पार्ट क्लियर हो गए, अपर जो को मैक्सिला, लोअर जो को मैंडिबल, और अंदर जो तालू है इसको पैलेट बोलते हैं, और पैलेट को बनाने के लिए 2 हाफ पैलेटाइन बोन, ठीक है। तो नंबर ऑफ बोन की अगर बात करते हैं तो नेम तो समझ में आ गया भाई, लैक्राइमल, जायगोमैटिक, ठीक है, नेजल, इन्फीरियर कॉन के, बूमर, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटाइन। नेम दिमाग में क्लियर है। नंबर की अगर बात करते हो, नंबर में एकदम क्लियर रखना है आपको। सबसे पहले लैक्राइमल, नंबर ऑफ बोन 2 पेयर में होते हैं, जायगोमैटिक नंबर ऑफ बोन 2 पेयर में होते हैं, नेजल नंबर ऑफ बोन 2 पेयर में होते हैं, इन्फीरियर कॉनके नंबर ऑफ बोन 2 पेयर में होते हैं। वूमर की अगर मैं बात करता हूं तो वूमर में ध्यान रखना है बेटा, यहां नंबर ऑफ बोन सिंगल होता है, ये क्वेश्चन आएगा। मैंडिबल की बात करते हैं, नंबर ऑफ बोन अगेन सिंगल होता है, यहां क्वेश्चन आएगा। मैक्सिला अगेन पेयर में होते हैं, पैलेटाइन अगेन पेयर में होते हैं। तो आप क्वेश्चन कहां बनेगा, यहां बनेगा अनपेयर पर, यहां बनेगा पेयर्ड पर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों अनपेयर्ड हैं, बस यहां क्वेश्चन ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बस सिंपल क्वेश्चन आएगा अनपेयर्ड क्या है, और यहां क्वेश्चन सिंपल बनेगा पेयर्ड बोन कौन से होते हैं। और हम कोशिश करेंगे आपको नेम भी आपके टिप्स पर करा दें, ठीक है। तो हमारा हेड वाला रीजन चल रहा था, हेड वाले रीजन के अंदर क्रेनियम और फेशियल, हायोड का नाम तो याद रखोगे ही, और मिस तो याद रहेगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेलासिन का स्टैपीज, तो नाम तो सारे याद हो गए, नंबर भी सारे याद हो गए। तो हेड में 29 बोन होते हैं, 29 बोन के नंबर भी आपको किस किस रीजन में कितने हैं, और 29 बोन के नेम भी आपके टिप्स पर होने चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है, आज तो पूरा याद करा के रहूंगा, टेंशन मत लो। क्रेनियम की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन क्रेनियम में कितने होते हैं 8, फेशियल में कितने होते हैं 14, 3 इधर और 3 इधर, ठीक है, और लास्ट में नीचे क्या होती है एक सिंगल हायोड बोन होती है। टोटल 29 बोन हो गए। नेम की बात करते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसीपिटल, सबको सपोर्ट दे रही है स्फिनॉइड, और आगे की साइड में प्लेट है, इसको एथेमॉइड बोलते हैं, जो अपर कॉन के सुपीरियर कॉन के को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये क्रेनियम हो गया। अब फेस की बात करते हैं, लैक्राइमल, जायगोमैटिक, नेजल, नेजल के बाद इन्फीरियर कॉन के, और एक ट्रेंगुलर बोन होती है, सिंगल बोन होती है भूमर, ठीक है, अपर जॉ मैक्सिला, लोअर जॉ मैंडिबल, और अंदर पैलेट को बनाने के लिए पैलेटाइन। नाम भी क्लियर हो गए। अनपेयर्ड ध्यान रखने, बूमर सिंगल बोन होती है, मैंडिबल सिंगल बोन होते हैं, तो सिंगल सिंगल क्लियर है बिल्कुल। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, अनपेयर्ड वाला पार्ट आपको दिमाग में रखना है। तो एकदम क्लियर है, तो हमारा हेड वाला रीजन एकदम क्लियर है, हेड वाले रीजन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हेड वाले रीजन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक है सर बूमर फिर से बताइए। ओके बेटा, अगर आपके पास स्कल कहीं दिख रही हो बेटा तो नोज वाले रीजन के अंदर एक ट्रायंगुलर बोन मिलती है, ट्रायंगुलर बोन इस तरीके से, ऐसे, इसको बूमर बोलते हैं। कहीं कोई भी स्कल का डायग्राम देखोगे आप, ठीक है, एनसीईआरटी ने साइड व्यू दिया है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं, एनसीईआरटी का डायग्राम अभी हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे साइड व्यू है, अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो आगे एक ट्रायंगुलर बोन मिलेगी, इसको बूमर बोलते हैं। अगर फ्रंट व्यू देखोगे, फ्रंट व्यू आगे इसमें है नहीं, कोई भी स्कल का फ्रंट व्यू देखोगे तो आगे एक ट्रायंगुलर बोन मिलती है, इसको बूमर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगुलर बोन होगी, इसको बूमर। ट्रायंगुलर सिंगल बोन होती है, ऐसे समझो, ये आगे नहीं है, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसको हटा दो पूरा पूरा। अंदर एक प्लेट होती है, बेस पर एक प्लेट लगी हुई है ट्रायंगुलर, उसके ऊपर ये सिस्टम होता है सारा का सारा। तो जो बेस पर प्लेट लगी हुई है ट्रायंगुलर प्लेट, वो है बूमर। ठीक है, तो समझ में आई होगी बेटा बूमर वाला कंसेप्ट, बूमर क्या है। ठीक है, ओके बेटा, आयशा, सुमन, ठीक है, साक्षी, क्लियर है एकदम। अगर क्लियर होता जाए तो क्रिस्टल क्लियर अगर होता जाए तो आप रिस्पॉन्स देते जाओ, आपके रिस्पॉन्स मिलते जाएंगे, मज़ा आता जाएगा। और मैं आज पक्की बात है, प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज आपको याद करा के रहूँगा, ये पक्का प्रॉमिस है 100%। ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम आपके टिप्स पर होगा, सोते में भी बोलोगे सारे बोन, ये गारंटी है। सोते में भी कोई पूछेगा बताओ यहाँ कितनी बोन होते हैं, आप बोलोगे 100% बोलोगे। ठीक है, ओके बेटा, विजय यादव, ओके, अजय कुमार, बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर, ठीक। मेनिका गोयल बेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो यहां तो समझ में आया। अब हम बात करते हैं वापस, यहां वाली बात हमारी क्लियर हो गई। फेशियल पार्ट में 14 बोन क्लियर है हमारे, क्रीनियम क्लियर है, यू शेप हायोड हमारी क्लियर है, मैलस इनकस टैपीज एंड मैलस इनकस टैपीज, ये वाला रीजन हमारा एकदम क्लियर है। अब एनसीईआरटी का डायग्राम आपको समझना होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम अगर देखते हैं तो फ्रंट पर फ्रंटल नंबर ऑफ बोन सिंगल होती है, लेटरल साइड के अंदर बड़ी बड़ी दो बोन होती है, पराइटल पेयर में होती है 2 बोनों की। टेम्पोरल जहां पर आपका ईयर होता है, टेम्पोरल रीजन, वहां पे भी नंबर ऑफ बोन कितने हो गए 2, 1 इधर 1 उधर। ठीक है, ये पेयर्ड में हो गए। पीछे की साइड में होती है ऑसीपिटल, नंबर ऑफ बोन 1, इसी से यहां पर एक ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं क्या, फोरामैन मैग्नम, यहां से स्पाइनल कॉर्ड पास आउट होती है, जो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो सिंगल बोन पेयर्ड बोन, और इन सबको सपोर्ट देने के लिए नीचे होती है इस फिनोइड, यहां पर साइड में दिखा रखा है हमने इसको व्हाइट कलर का, इस फिनोइड सिंगल बोन होती है, सिंगल बोन है फिनोइड। और जो आगे ध्यान रखना, डायग्राम आएगा तो आइस के अंदर से देख पाओगे एथेमॉइड को, तो आइस में जो व्हाइट रीजन दिख रहा है वो एथेमॉइड है, लेटरल साइड में जो व्हाइट रीजन दिख रहा है वो स्फीनॉइड है। तो एथेमॉइड और स्फीनॉइड में कंफ्यूज नहीं होना, सिंगल बोन। तो ये हो गए क्रेनियम के सारे बोन। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, सबको सपोर्ट नीचे, स्फीनॉइड आगे जो आइस के ऑर्बिट से दिखेगा अंदर से वो आपको दिखेगा एथमॉइड। ये वाले पूरा पार्ट क्लियर होगा क्रेनियम का। अब हम फेशियल की बात कर लेते हैं। अगर हम फेशियल की बात करते हैं तो फेशियल में देख लो, फेशियल में सबसे पहले हमने बात की लैक्राइमल, पेयर में होते हैं लैक्राइमल। ठीक है, लैक्राइमल के बाद जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक भी पेयर में होते हैं, भाई अपने हिसाब से चल रहे हैं भाई। सबसे लैक्राइमल, जाइगोमैटिक पेयर में, नेजल अगेन पेयर में होते हैं, नेजल फिर से पेयर में होते हैं। ठीक है, फिर इंफीरियर कॉनके नहीं दिखा रखे, पेयर में होते हैं, बूमर सिंगल बोन होती है, मैक्सिला अगेन पेयर में होते हैं, मैंडिबल अगेन सिंगल बोन होती है। ठीक है, और अंदर बेस पर लगा हुआ है क्या, पैलेटाइन, अगेन पेयर में होते हैं पर यहां नहीं दिखा रखे। यू शेप बोन दिख रही है आपको, यू शेप, दिस इज, इसको बोलते हैं हायोड बोन, सिंगल बोन होती है हायोड बोन, यू शेप होती है जो अदर बोन से कनेक्टेड नहीं होती। एनसीईआरटी ने इसको इंक्लूड किया, ऑल्सो इंक्लूड इन स्कल बोन। तो एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम क्लियर हो रहा है, मुझे लगता नहीं कहीं कोई डाउट होना चाहिए। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, साइड में व्हाइट दिख रहा है, स्फीनॉइड, और आइस के अंदर जो दिख रहा है व्हाइट, एथमॉइड। क्रेनियम हमारा कंप्लीट। ठीक है भाई, अंदर की साइड में ही जो होंगे लैक्राइमल, नेजल नोज में होंगे, इन्फीरियर कॉन के भी नोज में है, बूमर भी नोज में है। ठीक है, जाइगोमैटिक जो निकल रहे हैं ये वाले पार्ट, ठीक है, ये निकल रहे हैं हमारे जाइगोमैटिक, जो दिखा भी रखा था जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक के बाद भाई अपर वाला जो मैक्सिला, लोअर जो मैंडिबल, और अंदर पैलेट पर क्या लगा होगा, पैलेटाइन, लोअर साइड पर हायोड बोन। एकदम क्लियर है, डायग्राम आएगा, जितनी भी चीजें इसमें लेबलिंग की गई है इसको अगर इरेज कर देंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, मुझे लगता नहीं कहीं कोई डाउट आपको होना चाहिए, यानी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी भी ले लेते हैं हम। एनसीईआरटी छोड़ नहीं रहे हैं, एनसीईआरटी साथ लेके चल रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी विद कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, कहीं कुछ छोड़ने वाली नहीं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक्सियल स्केड्यूल की बात करते हैं, एक कितने बोन से मिलकर बना होता है, 80 बोन। 80 बोन की बात करते हैं, अलॉन्ग विथ मैनी एक्सेस ऑफ द बॉडी, ठीक है, द स्कल, वर्टिकल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स हमने क्लियर कर दिया, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। स्कल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 सेट ऑफ बोन होते हैं, कितने, 2 सेट ऑफ बोन। अब 2 सेट की बात कर लेते हैं, 2 सेट में क्या दे रखा है इन्होंने, देखो मैंने बताया ना यहां पर क्रेनियल बोन भी दे रखे हैं और फेशियल दे रखे हैं, पर इन्होंने स्टार्टिंग में हायोड की बात नहीं की है। दैट टोटल कितने हो गए, 22 बोन हो गए। तो एक्चुअल में स्कल में होते भी 22 ही काउंट करते हैं, पर कुछ बुक 23 भी लिख देते हैं, तो एनसीईआरटी ने उसको फॉलो कर दिया है। क्रेनियल बोन कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, दे फॉर्म द हार्ट, ठीक है, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ, कह सकते हो हमारे ब्रेन की, क्रेनियम ऑफ द ब्रेन, ठीक है। द फेशियल रीजन की बात करते हैं तो कितनी बोन हो गए यहां पर, 14 यहां पर बोन देखने को मिलेंगे फेशियल वाले रीजन के अंदर, जिसके अंदर विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। इसके अलावा आप देखो ये इस बच्चे कंफ्यूज तो सिंगल यू शेप बोन, इसको क्या बोलते हैं, हायोड बोन, इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बेस पर लगी हुई है, इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन स्कल, तो इसके बेस पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ बोन कितने हो गए स्कल के अंदर, 23, यानी 22 + 1। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑप्शन में अगर 23 है तो आप लगा के आओगे, हाँ ऑप्शन में अगर 23 नहीं है, 22 या कुछ और दे रखा है तो आप 22 लगा के आओगे, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है, अगर ऑप्शन में 22, 23 दोनों दे रखा है तो 23 और 100% राइट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है अभी नीट के लिए। तो ईच, अब मिडिल ईयर की बात करते हैं तो मिडिल ईयर में 3 बोन होते हैं, मैलस, इनकस, स्टैपीज। स्टैपीज बताया था मैंने, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द अपर बॉडी, मैंने लिखा दिया है आपको, ठीक है, जो हमारे इंटरनल ईयर की ओवल विंडो से कनेक्टेड होती है। जबकि अगर मैं बात करता हूं मैलस की, मैलस कनेक्टेड किससे होती है, ये हमारे, ठीक है, टिम्पेनम, ईयर ड्रम, एक्सटर्नल जो ईयर का जो अंदर वाला पार्ट होता है, इसको पर्दा भी बोलते हैं कान का, टिम्पेनम भी बोलते हैं, ठीक है, या ईयर ड्रम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो इससे जुड़ी होती है। और मिडिल वाली होगी इनकस, मिस मैंने याद रखना है आपको, 3 + 3 एकदम क्लियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। द स्कल रीजन, ठीक है, आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिकल कॉलम, भाई स्कल हमारी किसके ऊपर आर्टिकुलेट कर रही है, वर्टिकल कॉलम के ऊपर आर्टिकुलेट कर रही है, तो दिस द आर्टिकुलेशन, तो आर्टिकुलेशन किसके ऊपर है, वर्टिकल कॉलम के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहां बात करेंगे वर्टिकल कॉलम की, ठीक है, तो एक वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिकल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अब समझाते हैं इस वाली बात को भी। अगर आप स्कल का ध्यान से डायग्राम देखोगे, ये आपकी स्कल, स्कल में 1, 2, ठीक है, यहां पर एक ओपनिंग होती है स्कल के अंदर, इसको बोलते हैं फोरामैन मैग्नम, एकदम क्लियर है। अब देखो यहां ध्यान से देखो, 1 और 2 दो कॉन्डाइल दिख रहे हैं, इनको ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, एम्फीबिया और मेमेलिया, सिर्फ दो ही ध्यान रखना है, एम्फीबिया और मेमेलिया, इन दोनों की स्कल डाइकोंडाइलिक होती है, ठीक है, और डाइकोंडाइलिक स्कल अगर होगी, ये दो कॉन्डाइल हैं, दो कॉन्डाइल अगर वर्टिकल कॉलम में फिक्स हो जाएंगे तो एक ही डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट नेचर ने हमें कुछ और दे रखा है जिस वजह से हम लेफ्ट राइट रोटेशन कर पाते हैं। तो हमारी जो स्कल है वो किसके ऊपर, जैसे पहली वर्टिकल कॉलम होती है, इसको बोलते हैं एटलस, इनके ऊपर यहां 2 आर्टिकुलेटिंग फैसेट होते हैं, इनमें फंस जाती है, और हमारा एक ही रोटेशन होगा, क्या भाई, अप एंड डाउन, ओनली सिंगल रोटेशन कर पाते हैं। एटलस और स्कल कॉन्डाइल फिक्स हो जाते हैं और सिंगल रोटेशन होता है हमारा, अप एंड डाउन, ओनली सिंगल रोटेशन। एम्फीबिया में भी सिंगल रोटेशन होता है, यानी डाइकोंडाइलिक स्कल, जो 2 कॉन्डाइल हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल और डाइकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट इन एम्फीबिया एंड मेमेलिया, इसको छोड़ करके ऑल सबके अंदर मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है। तो डाइकोंडाइलिक की अगर बात करते हैं, डाइकोंडाइलिक यानी 2 कॉन्डाइल कहां प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, प्रेजेंट इन एम्फीबिया प्लस मेमेलिया। एम्फीबिया और मेमेलिया के अंदर आपको डाइकोंडाइलिक स्कल देखने को मिलेगी, रिमेनिंग जितने भी एनिमल्स होंगे उसके अंदर ध्यान रखना है आपको मोनोकोंडाइल, एक सिंगल कोंडाइल होता है, वो नेक को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर हम तो अपनी नेक को लेफ्ट और राइट रोटेट भी कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर एटलस में एक प्रोजेक्शन होता है, इस प्रोजेक्शन की हेल्प से ये अगेन दूसरी एक वर्टिकल कॉलम होता है उसके अंदर फंसा हुआ होता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्सिस। तो एटलस एक्चुअल में जब आप लेफ्ट राइट रोटेट करते हो, लेफ्ट और राइट रोटेशन, ये एक्चुअल में स्कल नहीं घूम रही है, स्कल और एटलस दोनों मिलकर के एक्सिस के ऊपर लेफ्ट और राइट रोटेशन करते हैं। तो यहां पर लेफ्ट और राइट रोटेशन जो कर रहे हो वो लेफ्ट और राइट रोटेशन एटलस और एक्सिस के बीच में है, ठीक है, और अप एंड डाउन कर रहे हो वो रोटेशन स्कल और एटलस के बीच में है। ये सुपर तरीका जो नेचर ने हमें प्रोवाइड कराया, इस वजह से हम अपनी नेक को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर पाते हैं। अगर एटलस और एक्सिस नहीं होते, इनके बीच में ये जॉइंट नहीं होता, इसको पाइवोट जॉइंट बोलते हैं, तो हम सिर्फ मेडक की तरह है, ठीक है, अप एंड डाउन कर रहे होते, लेफ्ट राइट रोटेट नहीं कर पाते। लेफ्ट राइट रोटेट करने के लिए आपको पूरी बॉडी को रोटेट करना पड़ता, आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो इसीलिए नेचर ने एटलस और एक्सिस के बीच में हमें पाइवोट जॉइंट दिया जो लेफ्ट राइट रोटेशन, और स्कल और एटलस के बीच में डाइकोंडाइल होने की वजह से, ठीक है, अप एंड डाउन रोटेशन, इसको कोंडाइलॉइड जॉइंट बोलते हैं, जो मैं जॉइंट में कराने वाला हूं आगे डिटेल में। तो डाइकोंडाइलिक स्कल जिसमें दो कोंडाइल होते हैं, और मोनोकोंडाइलिक स्कल जिसकी स्कल में सिर्फ एक ही कोंडाइल होगा, सिंगल कोंडाइल, ठीक है, तो मोनोकोंडाइलिक। और सिंगल कोंडाइल अगर होता है तो किसी भी डायरेक्शन में आप स्कल को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो बर्ड्स मोनोकोंडाइलिक, रेप्टाइल्स मोनोकोंडाइलिक, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो डाइकोंडाइलिक स्कल एम्फीबिया और मेमेलिया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। तो डाइकोंडाइलिक पर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, इनको ऑसिपिटल कोंडाइल बोलते हैं, इसको हम डायग्रामेटिकली समझाएंगे वर्टिकल कॉलम के अंदर। तो एक पार्ट हमारा एकदम फिनिश हो गया, हेड वाला रीजन हमारा एकदम फिनिश हो गया। हेड वाले रीजन में नंबर ऑफ बोन आपको एकदम टिप्स पर होने चाहिए, हेड वाले रीजन के अंदर नेम ऑफ बोन टिप्स पर है, और टिप्स पर है तो कमेंट में लिखो, पता तो चलना चाहिए कि हेड वाला रीजन क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, बेटा कमेंट में दो, हेड वाला रीजन क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। हैप्पी फादर्स डे, ओके क्लियर है सर, ओके क्रिस्टल क्लियर, ओके बेटा, ओके बेटा आज पक्की प्रॉमिस किया है मैंने आपसे, टिप्स पर करा के रखूंगा सारी बोर्ड, ठीक है, बस ओके क्लियर 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 क्लियर। और तुम कमेंट करने में भी इतना टाइम लगाते हो, चलो बट सुपर सुपर कमेंट तेजी से किया करो, तेजी से, स्पीड होनी चाहिए, बच्चे तो इतनी तेजी से करते हैं पूछो मत, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि हाथ चलते हैं उनके, क्या चलता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ओके ओके। बस लाइव का यही फ़ायदा है कि आपके कमेंट से आइडिया लग जाता है आप क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। तो और क्रिस्टल क्लियर कर देते हो, उससे एकदम क्लियर लगता है कि हाँ यार क्लियर है, और दम लगाओ अगले वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नो डाउट, एकदम क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं वर्टिकल कॉलम, भाई ये वाला रीजन कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं वर्टिकल कॉलम, फिर हम रिब्स और स्टर्नम की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सियल वाला पार्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपेंडिकुलर की बात करेंगे, गिडल की बात करेंगे, लिम्स की बात करेंगे, ठीक है, फिर जॉइंट्स पर आ जाते हैं। तो यहां हम जॉइंट्स इंक्लूड करते जाएंगे, क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल कॉलम में नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं, अभी बताया नंबर ऑफ बोन की जब भी बात आएगी आप बोलोगे 26, नंबर ऑफ बोन वर्टिकल कॉलम में 26, नंबर तो टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। 26 को हमने डिवाइड किया था, सर्वाइकल रीजन में कितने होते हैं, सर्वाइकल रीजन में हमने बताया था सर्वाइकल में 7 वर्टिकल कॉलम होते हैं, 7। थोरेसिक में कितने होते हैं, थोरेस में 12। भाई लंबर में कितने होते हैं, 5। सैक्रम में कितने होते हैं, 1, कितने के फ्यूज होने से, 5 के फ्यूज होने से। कॉकैक्स में कितने होते हैं, 1, कितने के फ्यूज होने से, 4 के फ्यूज होने से, ठीक है। ये तो नंबर समझ में आ गए। अगर मैं सर्वाइकल वर्टिकल कॉलम की बात करता हूं तो ध्यान रखना है ये मैमल का करेक्टर है, ठीक है, प्रेजेंट इन 7 वर्टिकल कॉलम आपको मैमल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, 7 होते हैं, जिसमें आपको पता होनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा अभी डिटेल में आगे। जो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम होता है पहले को बोलते हैं एटलस, जो फर्स्ट कॉलम होगा वो एटलस होगा, और सेकंड जो कॉलम होगा यहां पर एक्सिस, नंबर 2 जो होगा एक्सिस। नेचर ने दो खास वर्टिकल कॉलम दे रखे हैं हमें, फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद नॉर्मल, ठीक है। कॉमन वर्टिकल कॉलम होते हैं पर फर्स्ट एंड सेकंड कुछ खास टाइप के होते हैं, ठीक है ठीक है, आप कह सकते हो अनकॉमन होते हैं, एटिपिकल वर्टिकल कॉलम बोलते हैं इनको, अनकॉमन एटिपिकल। ठीक है, एटलस एंड एक्सिस। ठीक है, एटलस के ऊपर कौन होती है भाई? एटलस के ऊपर होती है स्कल। अगर मैं स्कल की बात करता हूं तो स्कल कहां होगी? स्कल जो प्रेजेंट होती है एटलस के ऊपर होती है, तो एटलस के ऊपर स्कल होती है जो उसके ऊपर रोटेट करती है। ठीक है, तो स्कल की अगर बात करते हैं, स्कल प्रेजेंट होती है एटलस के ऊपर और रोटेट करती है एटलस के ऊपर, और स्कल और एटलस दोनों मिलकर के एक्सिस के ऊपर लेफ्ट और राइट रोटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और बाद में सारे सारे नॉर्मल वर्टिकल कॉलम आ जाएंगे। सर्वाइकल वाले रीजन में 7 जो मैमल का करेक्टर है, मैंने समझा भी दिया। अगर थोरैक्स की बात करते हैं तो थोरैक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? 12। खास बात क्या है थोरैक्स की भाई? हर वर्टिकल कॉलम के अंदर 2 एडिशनल आर्टिकुलेटिंग अटैचमेंट साइड नहीं होते जो इनके पास होते हैं एडिशनल, क्योंकि यहां पर रिप्स का अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर 12 रिप्स होते हैं, तो एडिशनल 2 रिप्स अटैचमेंट साइड होते हैं इनके पास। ठीक है, तो एडिशनल थोरैक्स की बात, खास बात क्या थोरैक्स की? यहां पर 12 बेटा 12 पेयर। ठीक है, 12 रिप्स 12 पेयर ये लिखना है हमें। ठीक है, ट्वेल्व पेयर्स रिप्स अटैचमेंट साइड खास थोरैक्स के पास होते हैं और किसी के पास नहीं होते। अगर लंबर की बात करते हैं तो लंबर लार्जेस्ट होते हैं, ध्यान रखना ये लार्जेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं भाई। सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिकल कॉलम अगर पूछेगा तो आप बोलोगे लंबर रीजन के, जो हमारे ट्रंक के वेट को होल्ड करते हैं। और यहां आपको देखो कर्व भी दिख रहा है, दिस इज अ लंबर कर्व। यहां पे 2 टाइप के कर्व मिलेंगे। ठीक है, सिंगल कर्व तो आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है सिंगल कर्व थोरैक्स वाले रीजन में, और एक लंबर कर्व देखने को मिल रहा है, दिस इज अ लंबर कर्व। ठीक है, तो लंबर वर्टिकल कॉलम बहुत बड़े होते हैं, लंबर कर्व बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन सारे वर्टिकल कॉलम को आपस में जोड़ने के लिए यहां पर होती है इंटरवर्टिकल डिस्क, समझाऊंगा। और ये इंटरवर्टिकल डिस्क आप इनके बीच में होती है, और जहां इनके बीच में जो ज्वाइंट बनता है इसको बोलते हैं कार्टिलेजनस ज्वाइंट, जो भी आगे मैं समझाने वाला हूं डिटेल में। लिख देता हूं बस मैं, ज्वाइंट को तो भूलना नहीं है। कार्टिलेजनस ज्वाइंट इंटरवर्टिकल डिस्क 2 वर्टिकल कॉलम के बीच में होती है, जो इनको कॉलम को जोड़ने का काम करती है। इतना स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट होता है, इसको आप फाइब्रस ज्वाइंट बोल सकते हो। ठीक है, सॉरी इसको कार्टिलेजनस ज्वाइंट बोलते हैं, मतलब क्योंकि कार्टिलेज के बीच में होता है। ठीक है, और कार्टिलेजनस ज्वाइंट बहुत स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट होता है। और इंटरवर्टिकल डिस्क जो होती है वो फाइब्रस कार्टिलेज होती है। ठीक है, कॉलेजन फाइबर के मिलने से बनती है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होती है। ठीक है, तो कार्टिलेजनस ज्वाइंट देखने को मिलता है, सेमी मूवेबल ज्वाइंट है, इंटरवर्टिकल डिस्क के बीच में देखने को मिलता है। अगर आप पढ़ रखे हो, नहीं पढ़ रखे तो डिटेल में मैं ज्वाइंट में लेके चल रहा हूं आगे। तो बेसिक बात सारी क्लियर हो गई भाई। 2 कर्व है, नंबर 1 थोरैसिक कर्व, नंबर 2 लंबर कर्व। ठीक है, एकदम क्लियर है आपको। फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिकल कॉलम एटलस और एक्सिस, ध्यान रखने स्कल एटलस के ऊपर रोटेट करती है, और एटलस और एक्सिस आपस में रोटेट करते हैं लेफ्ट एंड राइट। 7 सर्वाइकल वर्टिकल, 12 थोरैसिक। खास बात क्या है, इन पर 12 पेयर रिप्स अटैचमेंट साइट होते हैं। लंबर लार्जेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ठीक है, 5 वर्टिकल कॉलम होते हैं। ठीक है, सैक्रम 1 होते हैं, 5 के फ्यूजन से बनते हैं। कॉकैक्स 1 होते हैं, 4 के फ्यूजन से बनते हैं, उसको टेल बोन भी बोलते हैं। इंटरवर्टिकल डिस्क हर एक वर्टिकल कॉलम के बीच में होती है, इंटरवर्टिकल डिस्क, और इन के बीच में जो ज्वाइंट बनता है इसको कार्टिलेजनस ज्वाइंट बोलते हैं। ये सारे पॉइंट हो गए जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। एनसीईआरटी भी देख लेते हैं। ठीक है, आवर वर्टिकल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 26, अभी बताया कितने, 26 सीरियली अरेंज यूनिट, जिनको बोलते हैं वर्टी। ठीक है, ब्रे एंड डॉर्सली प्लेस्ड, आप पता ही डॉर्सल साइड पर लगे होते हैं। आप साइड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे वाली जहां माउथ होता है, किसी भी एनिमल का माउथ जिस साइड पर होगा वो वेंट्रल साइड होती है। अगर फिश का माउथ नीचे है तो वेंट्रल साइड नीचे होगी। ठीक है, हमारी वेंट्रल साइड ये होगी, हमारी पीछे वाली वेंट्रल के पीछे अपोजिट डॉर्सल, ऊपर वाली साइड एंटीरियर, तो नीचे वाली साइड पोस्टीरियर। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेंट्रल डॉर्सल एंटीरियर और नीचे वाली पोस्टीरियर। ठीक है, चारों साइड क्लियर होनी चाहिए। तो डॉर्सल साइड पर इसका पोजिशन होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, भाई स्कल के बेस से एक्सटेंड होती है। ठीक है, बेस ऑफ स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। अभी ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क तो यही है। ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल होलो पोर्शन, समझाने वाला हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल बोलते हैं, न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। फर्स्ट वर्टिब्रा को हम क्या बोलते हैं, एटलस, अभी समझाने वाला हूं डिटेल में। एंड जो आर्टिकुलेट किस पे करती है, इस पे क्या होते हैं भाई, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, स्कल के ऑसिपिटल कॉन्डाइल के ऊपर ये आर्टिकुलेट करती है, ठीक है, यानी घूमती है। मैंने बताया था लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन रोटेशन होता है, वो ऑसिपिटल कॉन्डाइल स्कल के और एटलस के ऊपर आर्टिकुलेट करेगी। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू भाई सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं, सैक्रल 1 होती है जो फ्यूज्ड होती है, ठीक है, कॉक्सिजियल अगेन सिंगल फ्यूज्ड होती है, 4 की फ्यूज होने से या 5 की फ्यूज होने से, डिटेल में हमने समझाई दी है आपको, ठीक है। स्कल द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, मतलब एक्सेप्शनल केस मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट बोला है, 100% नहीं बोला, ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट एंड हेड एंड सेवरल हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। स्टर्नम इज फ्लैट बोन ऑन द वर्टिब्रल मिडिल और थोरैक्स, में आगे लेके चल रहा हूं। तो ये एक पार्ट हमारा क्लियर हुआ, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा ज्वाइंट पर क्वेश्चन आते हैं। अब इसका जो सुपर तरीका है, जो सुपर मैंने जो को डिजाइन किया है कि किस तरीके से बच्चे के ब्रेन में परमानेंट सेट किया जाए इसको, देखो ऐसे सेट करते हैं। तो यही बस हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतरीन तरीके से, सुपर कंसेप्चुअल तरीके से आपके ब्रेन में हर चीज सेट की जाए। तो उसके लिए कुछ नई नई चीजें ऐड करते हैं। देखो स्कल, दिस इज स्कल, और स्कल में आप समझ रहे हो ना, और स्कल के अंदर जो सबसे नीचे बोन दिख रही है इसको बोलते हैं ऑसिपिटल, और ऑसिपिटल बोन के अंदर बेटा एक फोरामैन, फोरामैन टर्म आता है नहीं, होल के लिए एक होल होता है, इसको फोरामैन मैग्नम बोलते हैं, इससे स्पाइनल कॉर्ड पास आउट होती है, फोरामैन मैग्नम। जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास आउट होती है। यहां मैंने बताया कितने कॉन्डाइल होते हैं हमारी स्कल में, 2 कॉन्डाइल, नंबर 1 एंड नंबर 2, क्योंकि हमारी स्कल डाइकॉन्डाइलिक होती है, और हमारी स्कल के दोनों कॉन्डाइल किससे अटैच होते हैं, ये पहली जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम को हम बोलते हैं एटलस, और ये एटलस किससे जुड़ी हुई होती है, इस ये वाला कॉन्डाइल इसके ऊपर आर्टिकुलेट करता है और ये वाला कॉन्डाइल इसके ऊपर आर्टिकुलेट करता है, यानी दोनों कॉन्डाइल की आर्टिकुलेटिंग सरफेस अलग अलग हैं। ध्यान रखना, कलर चेंज करते हैं। ये वाला कॉन्डाइल तो इसके ऊपर आर्टिकुलेट करेगा और ये वाला कॉन्डाइल इसके ऊपर आर्टिकुलेट करेगा, यानी ये तो हो गया बेटा कलर ऑसिपिटल कॉन्डाइल 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल हो गए, क्योंकि हमारी स्कल डाइकॉन्डाइलिक होती है। पहले ही मैं लिखा चुका हूं हमारी स्कल कैसी होती है बेटा, डाइकॉन्डाइलिक होती है, लिखाई दिया मैंने, ठीक है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, और ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल किसके ऊपर अटैच करते हैं, एटलस के ऊपर, पहले को बोल चुका हूं मैं, एटलस के ऊपर इनका अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये पहली एटलस, आप कैसे याद रखोगे, कंफ्यूजन कहां होता है, बच्चा एग्जाम हॉल में होता है तो भूल जाता है कि एटलस के ऊपर स्कल होती है एक्सिस के ऊपर होती है। ऐसे याद रखोगे कि आपने बचपन में एक साइकिल चलाई थी, एटलस चलाई होगी, ठीक है, आज भी मिलती है एटलस। एटलस का जो लोगो है उसमें देखना एक इस तरीके से कोई है जो अर्थ को उठाए हुए, जो अर्थ को उठाए हुए बेटा वो कौन है, वो एटलस, ग्रीक गॉड एटलस है, ग्रीक में गॉड को एटलस नाम दिया, ठीक है, एटलस जो अर्थ को उठाए हुए अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ग्रीक, तो ग्रीक गॉड एटलस किसको उठाए हुए हैं, स्कल को उठाए हुए, स्कल मींस अर्थ को उठाए हुए हैं, तो हमेशा स्कल एटलस के ऊपर होगी, एटलस साइकिल से आपको याद रहेगा, ठीक है, यही एक तरीका है, ठीक है। तो स्कल का रोटेशन किसके ऊपर होता है, एटलस के ऊपर होता है, किस किस के बीच में होता है भाई, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं और ये आर्टिकुलेटिंग फैसेट होती है, फैसेट का मतलब वो सरफेस जहां पर ये आर्टिकुलेट करती है, फंसती है, ठीक है। या ऑसिपिटल फैसेट भी बोल सकते हो। फैसेट। अब समझना, इनके बीच में जो ज्वाइंट बनेगा यहां क्वेश्चन आएगा, जो ज्वाइंट बनता है ये क्वेश्चन आएगा। कौन सा ज्वाइंट होगा? आर्टिकुलेटिंग फैसेट, ठीक है, और टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल के बीच में यहां होगा कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट, ठीक है, कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट। बस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं ज्वाइंट। तो मैं ज्वाइंट क्लियर कर रहा हूं। नंबर 1 ध्यान रखना, स्कल किसके ऊपर फंसी हुई है? एटलस, ग्रीक गॉड, ठीक है। कौन सा ज्वाइंट बन रहा है? कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट, क्योंकि टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है, एटलस के आर्टिकुलेटिंग फैसेट में फंसे हुए हैं और ज्वाइंट बना रहे हैं कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट। तो स्कल और एटलस के बीच में जो ज्वाइंट बनता है कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट बनता है, एक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात आती है भाई आगे क्या होगा। अब समझना, हर एक वर्टिकल कॉलम में इस तरीके से ओपनिंग होते हैं, ठीक है, ये साइड व्यू दिखाया है तो ऐसे 2 वर्टिकल कॉलम होते हैं यहां पर, समझो। इस भाई रूटीन क्लास होती तो मैं थोड़ा स्कैडर सिस्टम भी यूज करता बट समझने की कोशिश करना कि यहां पर इस तरीके से 2 वर्टिकल कॉलम होते हैं, हाफ और हाफ, दोनों के मिलने से ये एक्चुअल में पूरा इस तरीके से बनता है। बट मैं हाफ को दिखा रहा हूं, सेकंड हाफ को नहीं दिखा रहा, हाफ को दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर हाफ को देखोगे तो इस हाफ में इस तरीके से एक नॉच निकली हुई होती है, ठीक है, इसको ऑडेंटॉइड पैग बोलते हैं, इसको ऑडेंटॉइड फोसा बोलते हैं, इसमें फंसता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां हम बताने वाले हैं आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये दिस इज कॉल्ड ऑडेंटॉइड फोसा, और जो ऊपर से निकल रहा है दिस इज ऑडेंटॉइड पैग। और एक्चुअल में होता क्या है, लाइक ए कुली लाइक सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर फंस जाता है ये ऑडेंटॉइड पैग, इस फोसा में फंस जाएगा और इसकी वजह से हमारी इसका लेफ्ट और राइट रोटेट कर पाएगी। जैसे पुराने टाइम पे देखा होगा इस तरीके से दरवाजे होते थे जिनमें इस तरीके से ये लगे हुए होते थे, और चौखट होती थी इस तरीके से लकड़ी की जिस पर ये इस तरीके से कुली बनी होती थी, तो इसको उठा करके इसमें फंसा देते थे, ये इसमें फंस जाता था और रोटेशन होता रहता था। तो इस तरीके के जो ज्वाइंट होते हैं जिसमें रोटेशन इस तरीके से होते हैं, समझना मेरे, इस तरीके से रोटेशन होगा रोटेशन लेफ्ट और राइट, इसको बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। तो एक्चुअल में एटलस और एक्सिस के बीच में, तो यहां बात करते हैं एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट ज्वाइंट मिलता है, ठीक है। तो यहां भाई ये कौन सी बोन हो गई? ये तो हो गई एक्सिस, सेकंड नंबर की कौन सी होगी? एक्सिस। चलो ये भी क्लियर हो गई। तो यानी एटलस और एक्सिस के बीच में ज्वाइंट बन रहा है, यहां जो ज्वाइंट बन रहा है ऑडेंटॉइड फोसा और ऑडेंटॉइड पैक के बीच में पाइवोट ज्वाइंट। चलो ये भी ज्वाइंट क्लियर हो गया, पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या करेगी, ये इसके अंदर फंस जाएगी और यहां फंस के ज्वाइंट बनेगा, पाइवोट ज्वाइंट बनेगा। चलो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। हर एक वर्टिकल कॉलम में पेयर्ड में इस तरीके से ओपनिंग होते हैं, इनको वर्टिब्रो आर्ट्रियल फोरामैन बोलते हैं, जिनसे आर्टरी पास आउट होते हैं, वर्टिकल कॉलम से आर्टरी का पास आउट होना, इट इज कॉल्ड वर्टिब्रो आर्ट्रियल फोरामैन, लिख देते हैं उसको भी। फोरामैन मतलब ओपनिंग, ठीक है। वर्टिब्रो आर्ट्रियल यानी वर्टिब्रल के अंदर जो आर्टरी के पास आउट के लिए फोरामैन बने हुए हैं, इट्स कॉल्ड वर्टिब्रो आर्ट्रियल फोरामैन, ठीक है। ये सब आर्टिकुलेटिंग फैसेट है, फैसेट का मतलब सरफेस, जहां से आर्टिकुलेशन होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, आर्टिकुलेट करने वाले जगह, ठीक है। तो अब बात किसी कर रहे हैं एक्सिस, तो एक्सिस और एटलस के बीच में ज्वाइंट समझ में आ गया। ये 2 खास वर्टिकल कॉलम है, इसके बाद सारे कॉमन वर्टिकल कॉलम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनको हम टिपिकल वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, ये एटिपिकल हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर एटिपिकल। एटिपिकल का मतलब अनकॉमन, जो कॉमन नहीं है, डिफरेंट टाइप के हैं। फिर कॉमन वर्टिकल कॉलम स्टार्ट हो जाएंगे और हर एक वर्टिकल कॉलम के सेंटर में मैंने बताया था न्यूरल, ठीक है, न्यूरल के पास आउट करने के लिए, ठीक है, एक ओपनिंग होती है। एनसीईआरटी ने भी दे रखा है और हमने भी इसको रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो वे क्या कहते हैं इसको? न्यूरल कैनाल, यानी न्यूरॉन या स्पाइनल कॉर्ड को पास करने वाली कैनाल। तो हर एक के बीच में होती है, एनसीईआरटी ने दे रखा है, हमने भी भाई यहाँ दिखा रखा है, यहाँ दिखा रखा है, हाफ इसमें नहीं दिख रहा, इसको यहाँ लिख देते हैं। न्यूरल कैनाल ओनली फॉर नॉलेज। ठीक है, अब समझना ये खास ज्वाइंट हो गए। अब हर एक वर्टिकल कॉलम के बीच में आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो एक तरीके से फाइब्रस कह सकते हो कार्टिलेज है, और जो ज्वाइंट बनेगा यहां पर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बनाएगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अगर मैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करता हूं तो दोनों को जोड़ने का काम करती है, और जहां पे अटैचमेंट होता है इसका, इस अटैचमेंट साइड को हम बोलते हैं सेंट्रम भी बोल सकते हो, बॉडी भी बोल सकते हो। ठीक है, सेंट्रम, और इन दोनों के बीच में ज्वाइंट बनेगा इसको बोलते हैं बेटा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, सेमी मूवेबल ज्वाइंट। अब सब अरे हर एक वर्टिकल कॉलम के बीच में ज्वाइंट मिलेंगे, अब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट मिलते जाएंगे भाई। टोटल सारे वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आर्टिकुलेट करते हैं, क्योंकि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट सेमी मूवेबल ज्वाइंट होता है। तो ये तीन ज्वाइंट मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइंट हैं बेटा, जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, स्कल और एटलस के बीच में कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, और रिमेनिंग वर्टिकल कॉलम के बीच में जो देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं हम क्या? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, क्योंकि बीच में एक कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक फाइब्रस कार्टिलेज है, और वो सरफेस जहां पे जुड़ी होती है इसको सेंट्रम बोलते हैं, इसको भी सेंट्रम बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं, और इनके बीच में जो ज्वाइंट बनता है इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये सुपर कंसेप्ट्स हैं बेटा, जो आपके एकदम मेमोराइज रहेंगे, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट से क्वेश्चन बनेगा, पाइवोट ज्वाइंट से क्वेश्चन बनेगा, अच्छा ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पाइवोट ज्वाइंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट से क्वेश्चन बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखता जा रहा हूं, जहां जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। एटलस एक्सिस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, भी एटलस का इनका अरेंजमेंट क्या है, सिक्वेंस समझ में आ गई होगी। तो ये कॉमन वर्टिकल कॉलम आ गया, सारे सेम सिक्वेंस नीचे तक दिखने को ऐसे ही मिलेगी। तो यहां तक मुझे लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए। तो वर्टिकल कॉलम वाला पार्ट हमारा एकदम क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा। एकदम क्लियर क्लियर, बिल्कुल समरी बता देता हूं एक बार। ठीक है, देखो समरी सीधी सी बात है, हम वर्टिकल कॉलम की बात कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले स्कल, ठीक है, स्कल हमारी कैसी है? डाइकोंडाइलिक स्कल है। किसके ऊपर रखी है? एटलस के ऊपर है, एटलस ग्रीक गॉड। ठीक है, कौन सा ज्वाइंट बना रही है? कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट बना रही है, पहली बात। अब हमारी स्कल और एटलस दोनों मिलकर के एक्सिस के ऊपर पाइवोट ज्वाइंट बना रहे हैं, और लेफ्ट और राइट रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? बिल्कुल, पाइवोट ज्वाइंट। अब एटलस और एक्सिस के बाद फिर कॉमन वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाते हैं, और उनको जोड़ने के लिए बीच में कार्टिलेज होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो एक फाइब्रस कार्टिलेज है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, और जो ज्वाइंट बनाता है यहां बनता है, उसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोलते हैं, क्योंकि कार्टिलेज बीच में है। ठीक है, तो जो सेमी मूवेबल ज्वाइंट है, जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये ज्वाइंट टोटल सबके नीचे अब कंटिन्यू मिलेगा। तो ज्वाइंट की बात कर रहे थे, ज्वाइंट हमारे क्लियर हो गए, सारे के सारे पोजीशन क्लियर है। स्कल हमारी, एटलस, एक्सिस और कॉमन वर्टिकल कॉलम, बस। रिमेनिंग जो नंबर वाली बात है हम पहले करा चुके हैं। सर्वाइकल में 7 वर्टिकल कॉलम, थोरैक्स में 12 वर्टिकल कॉलम, ठीक है, लंबर में 5, सैक्रम की बात करते हैं तो 5 के फ्यूज होने से 1, ठीक है, कॉकैक्स की बात करते हैं तो 4 के फ्यूज होने से 1। टोटल वर्टिकल कॉलम कितने हो गए? 26, एकदम क्लियर है। ठीक है, यहां 2 मैंने कर्व बताए। ठीक है, एक तो लंबर कर्व मैंने बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, क्योंकि लंबर वर्टिकल कॉलम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, लार्ज होते हैं, पूरे सिस्टम को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, वो एकदम क्लियर आपको याद रखनी है, सबकी पोजीशन ध्यान रखनी है, किसके बाद कौन अरेंजमेंट है। एटलस एक्सिस क्लियर है, मेन क्वेश्चन एटलस एक्सिस है, मेन क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ज्वाइंट से बनेंगे, ज्वाइंट मैंने आपको सारे क्लियर करा दिए हैं। तो अब ये समरी हो गई, वर्टिकल कॉलम वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, हेड वाला रीजन हमारा क्लियर हो गया। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? मैंने कहा बेटा एकदम क्लियर, स्पार्क ई क्लियर बेटा बहुत बढ़िया, पलक एकदम क्लियर, ठीक है, सुदर्शन बेटा ओके, ठीक है, रिद्धि झा बेटा एकदम क्लियर, ठीक है ओके, लव यू फ्रॉम आसाम, बिल्कुल सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। चलो खैर यहां से आगे बढ़ते हैं। तो एक पार्ट हमारा एकदम क्लियर हो गया, ठीक है, एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया, हेड वाला रीजन क्लियर हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं कि इस सीरीज, ये सीरीज नहीं है, ये एक तरीके से कह सकते हो मतलब सुपर सीरीज है जो हर बच्चे के लिए, मतलब हम भी यही सोचते हैं कि हर बच्चे को, किसी भी स्टेट का बच्चा हो वो, ठीक है, उसको मतलब बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम टाइम में, सिंगल शॉट में, इसको हल्के में मत लेना, ये बस होता है सिंगल शॉट में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है तो क्वालिटी कम होगी ना बेटा, इस पर मत जाना, ठीक है। कभी कभी सिंगल शॉट फ्री में मिलने वाली चीज़ की भी क्वालिटी बहुत हाई होती है। तो मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं आपको कि आपका नीट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या प्रॉमिस कर सकते हैं। पूरी भाई हम जियोलॉजी को, ठीक है, ओनली अप्रोक्सीमेटली 15-18 लेक्चर में फिनिश कर रहे हैं, एकदम कंसेप्चुअल कर रहे हैं, ये पूरा इतने साल का एक्सपीरियंस मैं इसमें लगा रहा हूँ पूरा का पूरा। तो बस आप, बस प्यारे प्यारे बच्चे जो कहीं एफर्ट नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनको एकदम बेनिफिट हो और सुपर रैंक दे पाएँ। और मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, बिलीव करना होगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पक्की बात है 100%, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी कोशिश यही है कि हर बच्चे को जितना बेनिफिट दे सकता हूं मैं दे दूं, ठीक है, इस सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे, रिप्स एंड स्टर्नम। अगर हम रिप्स और स्टर्नम की बात करते हैं तो समझना होगा अगेन, अब लास्ट में यही बचा हुआ है एक्सियल के अंदर, हेड वाला रीजन क्लियर हो गया, वर्टिकल कॉलम हमारे क्लियर हो गए, अब रिप्स और स्टर्नम की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी हम छोड़ नहीं रहे हैं, एनसीईआरटी को तो साथ लेके चल रहे हैं, सारे एडिशनल पॉइंट उसी में ऐड करते जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और क्वेश्चन जॉइंट से आएगा, पक्की बात है, जॉइंट्स हम यही क्लियर कर देते हैं साथ में, और लास्ट में जॉइंट्स एक बार और लेंगे, यानी जॉइंट्स के टिप्स पर, जॉइंट्स को टिप्स पर लेकर आएंगे, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, ओके अभी तो है, अब स्टार्ट करते हैं, समझना मेरी बात। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको बोलते हैं रिब केज, केज मतलब होता है पिंजरा, ठीक है, केज पिंजरा। इस केज को बनाने के लिए आगे एक बोन होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, और पीछे जो बोन दिख रही है डॉर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम, और इनको आपस में लेटरल साइड पर कनेक्ट कौन कर रहे हैं? रिब्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रिब केज को बनाने के लिए वेंट्रल साइड पर तो होता है स्टर्नम, डॉर्सल साइड पर पीछे की साइड पर होंगे वर्टिब्रल कॉलम, और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहे हैं? लेटरल साइड पर रिब्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टल, इनको हम कॉस्टल भी बोलते हैं, ठीक है, कॉस्टल मतलब रिब्स, ठीक है। अब रिब्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है, पहले मैं समझाता हूं फिर आगे बढ़ेंगे, पहले समझा दूं आपको। अगर मैं रिब्स की बात करता हूं तो रिब्स को हम और क्या बोल सकते हैं? कॉस्टल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टल। भाई कितने होते हैं कॉस्टल या रिब्स? आप बोलोगे 12 पेयर्स, मतलब 24। चलो ठीक है, अगर हम रिब्स की बात करते हैं तो उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स समझना, और फ्लोटिंग रिब्स। अभी समझाऊंगा डायग्राम में ये बिल्कुल लेके करके, पहले बेसिक समझा दूं। नंबर 1 ट्रू रिब्स, नंबर 2 फॉल्स रिब्स, नंबर 3 फ्लोटिंग रिब्स। अगर ट्रू रिब्स की बात करते हैं बेटा तो ट्रू रिब्स को हम कुछ और भी नाम से जानते हैं, समझाता हूं ट्रू क्यों बोलते हैं, फॉल्स को फॉल्स क्यों बोलते हैं, और फ्लोटिंग को फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, समझाते हैं। तो एक एडिशनल नेम है जो ध्यान रखना है आपको, ट्रू के लिए हम टर्म यूज करते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। कितने होते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स? ये होते हैं 7 पेयर, 7 पेयर्स। क्यों बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स ट्रू रिब्स को? आप वापस आते हैं, देखो ब्लैक कलर लेना होगा। अब ध्यान से देखना, हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रू रिब्स की। 7 पेयर, 7 इधर होंगे, 7 इधर होंगे। भाई ट्रू को ट्रू क्यों बोला? इसको एक पर्टिकुलर नेम से भी जानते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्यों बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स? ये रिब्स पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और आगे स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे रिब्स जो डोर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रल साइड पर स्टर्नम से कनेक्टेड है, इनको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। तो डोर्सल साइड पर भाई वर्टिब्रल कॉलम कहां पर है? डोर्सल साइड पर, ठीक है। स्टर्नम कहां पर है? वेंट्रल साइड पर। और लेटर साइड पर कौन है? रिब्स, समझना। तो वो रिब्स जो स्टर्नम, डोर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रल साइड पर स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। इसीलिए इनको नाम दिया वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, सो इट इज कॉल्ड वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। अब बात करते हैं फॉल्स। अब समझना, अगर हम फॉल्स की बात करते हैं, अगर हम फॉल्स रिब्स की बात करते हैं तो इनको बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल। समझाता हूं अभी, कॉन्ड्रियल रिब्स। कॉन्ड्रियो टर्म किसके लगाते हैं? कॉन्ड्रियो टर्म लगाते हैं कार्टिलेज के लिए। तो एक्चुअल में जो फॉल्स रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब्स अगर ध्यान से देखोगे, फॉल्स रिब्स के केस में ये 8, 9 और 10 होते हैं। 8, 9 और 10 ये 7 नंबर की, ध्यान समझना, जो 7 नंबर की रिब्स होगी, तो 8, 9 और 10 ये 7 नंबर की रिब्स की कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ते। 8, 9 और 10 पेयर रिब्स होते हैं बेटा, 8, 9 और 10, ठीक है। 8, 9 और 10 इनको फॉल्स बोलते हैं, इसलिए इनको वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल बोलते हैं, क्योंकि पीछे की साइड तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, पर आगे की साइड ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ते। भाई स्टर्नम से जो कनेक्शन है वो 7th नंबर की रिब्स का है, बस 7th नंबर की। अब 7th के बाद किसी भी रिब्स का कनेक्शन स्टर्नम से नहीं होगा, उसके बाद जिसका भी कनेक्शन होगा वो 7th की कार्टिलेज से होगा, 7th की कार्टिलेज से। तो रिमेनिंग जो रिब्स हैं बेटा वो 7th की कार्टिलेज से जुड़ते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं, और कार्टिलेज को बोलते हैं कॉन्ड्रियो, इसलिए इन रिब्स को बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स। आप समझ गए ना मेरी बात? तो बस यही ध्यान रखना है आपको, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स। ट्रू जो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़े हुए हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, सो इट इज कॉल्ड वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। आगे जो 7th, अब ध्यान रखना है आपको, यहां जितने भी रिब्स हैं इनका वेंट्रल साइड पर एक कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज, व्हाइट कलर से दिखा रखी है, जो व्हाइट कलर की कार्टिलेज दिख रही है इसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज की बात करते हैं तो एक्चुअल में सब हाइलिन कार्टिलेज से जुड़े हैं, पर ये हाइलिन कार्टिलेज डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ती है, पर 8, 9 और 10 जो रिब्स होते हैं वो स्टर्नम से नहीं जुड़ते, वो 7th की हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ते हैं, और कार्टिलेज को हम बोलते हैं कॉन्ड्रियो, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स। 8, 9, 10 फॉल्स रिब्स, इनको बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स। तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स की अगर बात करते हैं तो नंबर ध्यान रखना है आपको, ठीक है, 8, 9, 10, ठीक है, पेयर। ये होते हैं बेटा फॉल्स रिब्स, ठीक है, फॉल्स रिब्स ध्यान रखना, 8, 9, 10 पेयर्स जो नंबर हो गए ये फॉल्स रिब्स हो गए। फ्लोटिंग रिब्स, अब फ्लोटिंग रिब्स एक्चुअल में वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़े हुए हैं पर आगे की साइड किसी से भी कनेक्टेड नहीं होते, सिर्फ फ्लोट करते हैं। थोरसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, इनडायरेक्टली किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग में नंबर कौन कौन से आ जाएंगे? भाई फ्लोटिंग की अगर बात करते हैं 12th, 11th एंड 12th पेयर, 11th और 12th पेयर्स जो हैं बेटा ये हो गए फ्लोटिंग रिब्स। वापस आते हैं, ध्यान से देखोगे 11th और 12th को, अगर ध्यान से देखते हो 11th और 12th को तो देखो पीछे की साइड तो जुड़े हुए हैं पर 11th और 12th आगे की साइड किसी से भी नहीं जुड़े, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग, इसलिए हम इसको फ्लोटिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिप्स का कंसेप्ट समझ में आया कि फ्लोटिंग, ट्रू और फॉल्स। क्यों बोला ट्रू? इसलिए क्योंकि वही वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल, सॉरी वर्टिब्रोस्टर्नल, फॉल्स इसलिए वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल, और फ्लोटिंग क्योंकि ये वेंट्रल साइड पर कनेक्टेड नहीं होते, डॉर्सल साइड पर वर्टिकल कॉलम से कनेक्टेड होते हैं। एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात आती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ह्यूमन रिप्स बाइसेफेलिक होते हैं। अब बाइसेफेलिक का मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस पे आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाइसेफेलिक किसके बेस पर बोलते हैं? बाइसेफेलिक रिप्स, ठीक है। अब समझो बाइसेफेलिक का मतलब क्या है, डायग्रामेटिकली समझ पाओगे अच्छे से, तो हम डायग्राम से ही समझाएंगे आपको अच्छे से। देखो अगर आप रिप्स को ध्यान से देखोगे कुछ इस तरीके से डायग्राम आएगा। अब देखो अगर रिप्स को देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। ये तो उसकी डॉर्सल साइड हो गई, ठीक है, ये डॉर्सल साइड हो गई, ये इसकी वेंट्रल साइड हो गई, ये इसकी लेटरल साइड हो गई, ठीक है। डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल। डॉर्सल साइड पर यहां पर दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, यानी वो सरफेस जहां पर ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस हो गई और यहां पर भी आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है। जो आगे टिप पर लगी हुई है ये तो हमारे वर्टिकल कॉलम के सेंट्रम से जुड़ जाती है, इसको हम बोलते हैं कैपिटुलम। लिख देता हूं मैं, कैपिटुलम। और जो लेटरल साइड में दिख रही है आर्टिकुलेटिंग सरफेस, इसको बोलते हैं हम ट्यूबरकुलम। अब यहां पर भाई रिप्स को बाइसेफेलिक इसलिए बोला क्योंकि डॉर्सल साइड पर, ध्यान रखना, डॉर्सल साइड पर टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। एनसीईआरटी की लाइन, हर रिप्स के डॉर्सल साइड पर टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, कैपिटुलम, ट्यूबरकुलम, ठीक है। डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड पर नहीं। तो वेंट्रल साइड पर तो यहां पर हाइलिन कार्टिलेज होती है, आपको बता ही चुका हूं मैं। वेंट्रल साइड पर हाइलिन कार्टिलेज होती है, डॉर्सल साइड पर टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं बेटा, ठीक है, कैपिटुलम एंड ट्यूबरकुलम। टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस, टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड पर टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, कैपिटुलम एंड ट्यूबरकुलम, सो इट इज कॉल्ड बाइसेफेलिक, एनसीईआरटी की लाइन। तो बाइसेफेलिक क्यों बोला, ठीक है, क्योंकि टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ ईच रिप्स, ठीक है, कैपिटुलम एंड ट्यूबरकुलम, बस सिंपल सी बात, सो इट इज कॉल्ड बाइसेफेलिक, ठीक है। तो बाइसेफेलिक टर्म समझ में आया, ट्रू फॉल्स टर्म समझ में आया, फ्लोटिंग समझ में आया, वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल क्वेश्चन यहां आएगा, ये समझ में आ गया आपको। रिप्स वाला पॉइंट एकदम क्लियर, ठीक है। रिब केज एक क्वेश्चन और बनता है, रिब केज, ये भी बता देते हैं, ठीक है। रिब्स केज, केज मतलब पिंजरा। इसको बनाने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होगा समझना। अगर केज की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड और लेटरल साइड, वेंट्रली डॉर्सली लेटरली, वेंट्रली डॉर्सली एंड लेटरली, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। वेंट्रल साइड पर, वेंट्रल साइड पर यहां पर स्टर्नम होता है, डॉर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, लेटरल साइड पर रिप्स होते हैं, ठीक है। अगर रिप्स की बात करते हैं तो उनको कॉस्टल भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में इन तीनों के मिलने से जो बनता है उसको रिप्स केज बोलते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको भी हम लेके चलने वाले हैं। वापस आते हैं एनसीईआरटी फोकस, यानी कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, आपका एक चीज क्लियर कर रहे हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिप्स, क्लियर है आपको। ईच रिप्स इज सॉरी थिन फ्लैट बोन, वही ध्यान रखना है, फ्लैट बोन है, रिप्स फ्लैट बोन में काउंट होती है, ठीक है। कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम, मैं डॉर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती है और वेंट्रल साइड पर स्टर्नम से कनेक्टेड होती है। इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस, बताया था मैंने भाई टू आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं। सो इज कहां पर होते हैं? डॉर्सल साइड पर, डॉर्सल एंड। सो इज कॉल्ड बाइसेफेलिक। एनसीईआरटी की लाइन एकदम क्लियर है कि बाइसेफेलिक क्यों बोलते हैं इसको। फर्स्ट 7 पेयर जो होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा ट्रू रिप्स। क्यों बोलते हैं ट्रू? समझ में आ गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रो, ठीक है, एक्सटर्नल रिप्स, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। डॉर्सली आर अटैच टू द थोरैसिक, ठीक है, वर्टिब्रे एंड वेंट्रली कनेक्ट टू द स्टर्नम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, एकदम क्लियर है। अब 8, 9 और 10 की बात करते हैं। 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 जो होते हैं बेटा ये आर्टिकुलेट करते हैं डायरेक्टली विद द स्टर्नम, ठीक है, विद द स्टर्नम, बट ज्वाइन द 7th रिप्स विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, यानी 7th की हाइलिन कार्टिलेज के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड फॉल्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल या फॉल्स रिप्स, इसलिए इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल बोलते हैं, उनको वर्टिब्रो एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। लास्ट 2 पेयर 11th and 12th ऑफ रिप्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिप्स, वेंट्रल साइड पर नहीं कनेक्टेड होते हैं फ्लोटिंग रिप्स। थोरैसिक, वर्टिब्रे, रिप्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म अ रिब केज। तो समझ में आएगा रिब केज मैंने क्यों लिखा, ठीक है। तो अच्छा रिप्स कर दिया, कोई नहीं, ठीक है। तो रिब केज की अगर हम बात करते हैं तो रिब केज है क्या, ठीक है, रिब केज क्या है बेटा? रिब केज जो रिप्स से मिलके बना हुआ पिंजरा है। वेंट्रल साइड पर किससे, डॉर्सल साइड पर किससे और लेटरल साइड से किससे मिलकर के बना होता है? स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिप्स। तो यहां तक की बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये वाला पार्ट एकदम क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक बताओ कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस करो मुझसे, कोई भी डाउट। हाँ बेटा, एटलस और एक्सिस, यहां इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती, एक्सिस के बाद चालू होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। बिल्कुल बेटा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क उसके बाद चालू होती है, एकदम क्लियर होगा। इंटरवर्टिब्रल डिस्क से रिलेटेड एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। यहां तक कोई भी डाउट हो एकदम बताओ, एकदम सुपर, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर, ठीक, बहुत बढ़िया। कुछ पूछा बच्चे ने? अच्छा, 13 रिप्स के लिए देखो, एक ये एडिशनल पॉइंट्स हैं। एडिशनल पॉइंट हम नॉर्मल क्लास में लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एडिशनल, तो बहुत कहानियां भी होती हैं, ठीक है, या तो सिंगल शॉट है। देखो एक एडिशनल रिप्स और होती है 13 पेयर। भाई कुछ लोगों में एक एडिशनल पेयर और देखने को मिलता है, इसको गोरिल्ला रिप्स बोलते हैं। वो रिप्रेजेंट करती है कि हमारा इवोल्यूशन कहीं ना कहीं गोरिल्ला लाइक एनिमल से हुआ है, क्योंकि उसमें 13 पेयर होते हैं और किसी किसी में, ठीक है, एक एडिशनल पेयर और मिल जाता है, ठीक है, उसको इसलिए गोरिल्ला रिप्स बोलते हैं, क्योंकि गोरिल्ला के अंदर वो फंक्शनल होती है, यानी वहां स्पेशली प्रेजेंट होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो गोरिल्ला रिप्स वाली बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बेटा, इसके अलावा कोई भी डाउट है तो बताओ। गोरिल्ला रिप्स क्लियर है आपको, 13 पेयर किसी किसी मिल जाती है, वो इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाली, बहुत बढ़िया है, वो एक कनेक्टिंग लिंक है, बता सकती है कि हमारा इवोल्यूशन कहीं ना कहीं गोरिल्ला के एनिमल से हुआ है, बहुत बढ़िया। बाइसेफेलिक, ठीक है, दोबारा बता दो प्लीज बेटा, बाइसेफेलिक कितना अच्छे से बताया, ठीक है। देखो बाइसेफेलिक का मतलब क्या है, ठीक है, मैंने बताया एनसीईआरटी की लाइन है। बाइसेफेलिक का मतलब है टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस विच प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, इसको तो हम बोलते हैं कैपिटुलम, और दूसरी होती है लेटरल साइड पर, इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलम। अगर ध्यान से देखो, मैं अलग से समझाना चाहूँ तो यहां कोई वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम के सेंट्रम से जुड़े होते हैं कैपिटुलम, और वर्टिब्रल कॉलम के बाहर आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, उससे जुड़े होते हैं ट्यूबरकुलम। तो ये एडिशनल आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस हैं, कैपिटुलम, ट्यूबरकुलम। कैपिटुलम वर्टिब्रल कॉलम के सेंट्रम में, अंदर वाला पार्ट है, उसमें फंसा होता है, ये बाहर फंसा हुआ होता है, जिसकी वजह से आर्टिकुलेशन होता है। तो इन 2 आर्टिकुलेशन सरफेस की प्रेजेंस की वजह से, जो डोर्सल साइड पर होते हैं, वेंट्रल पर नहीं होते, डोर्सल साइड पर, इसको हमने बाइसेफेलिक टर्म यूज किया। तो बाइसेफेलिक वाला टर्म भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लिम्स बोन। ओके ओके, क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर। अब लिम्स बोन पर आते हैं, ठीक है। अब लिम्स बोन पे एकदम फोकस करना, एकदम लास्ट चल रहा है लिम्स और गिडल, दो चीजें बची हुई हैं, फिर जॉइंट्स पर आ रहे हैं एकदम क्लियर, फिर एकदम समराइज कर देंगे, एकदम ब्रेन में सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो लिम्स बोन आपको मैं टिप्स पर कराता हूं, बिल्कुल टिप्स पर। मैंने क्या बोला था लिम्स के बोन के लिए? लिम्स बोन बेटा 30-30, दोनों लिम्स में 30-30, लोअर लिम्स में भी 30-30, टोटल 120। नंबर तो भूलने वाले नहीं हो, ऐसे भी याद दिला देता हूं, ठीक है। अगर हम इस अपर लिम्स की बात करते हैं तो भाई ये तो ह्यूमरस एक ही तो होती है ना, सिंगल ह्यूमरस होती है। अब समझना, आपसे आंखें बंद करके भी पूछेगा, बता पाओगे? इस तरीके से हैंड को करना, जो थंब वाला साइड होता है दिस इज कॉल्ड रेडियस। थंब वाली साइड में जो बोन होगी रेडियस, अपोजिट वाली जो बोन होगी अल्ना। भाई ह्यूमरस सिंगल बोन, थंब वाली साइड में रेडियस, अपोजिट वाली साइड के अंदर अल्ना, ठीक है। कितने बोन हो गए? 3 बोन हो गए। अब हम बात करते हैं रिस्ट। रिस्ट में 8 छोटे छोटे गोल गोल बोन होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल बोन, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इनको बोलते हैं कार्पल्स। कितने होते हैं? 8 कार्पल्स रिस्ट में, 1 2 3 और 8, कितने हो गए? 11 बोन हो गए रिस्ट तक। रिस्ट में 8 कार्पल्स होते हैं। फिर अब ध्यान से देखोगे यहां पर 1 2 3 4 5, ये पाम को बनाने वाले 5 बोन होते हैं, इनको मेटाकार्पल बोलते हैं। भाई ये वाले कार्पल, तो इन पाम को बनाने के लिए मेटाकार्पल। अब बात आती है फैलेंजीज, तो आप जानते हो थंब में 2 3 3 3 3, टोटल 14 फैलेंजीज, 30 हो गए बेटा। फिर से समझो, ह्यूमरस 1, थंब की साइड में रेडियस, अपोजिट साइड में अल्ना। भाई रिस्ट में जो है बेटा 8, क्या होंगे इनको? इनको बोलेंगे कार्पल्स। और आगे ये वाले क्या होंगे? मेटाकार्पल्स। और 14 फैलेंजीज, 3 3 3 3 और लास्ट में 2, 14, तो टोटल 30 बोन हो गए। तो नंबर समझ में आ गया, नंबर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर एकदम क्लियर होना चाहिए, नंबर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमरस 1 सिंगल बोन होती है, रेडियस सिंगल बोन होती है, अल्ना सिंगल बोन होती है, ये सिंगल बोन है, ठीक है। कार्पल्स की बात करते हैं, कार्पल्स 8 होते हैं बेटा, 8, मेटाकार्पल्स 5 होते हैं, और फैलेंजीज की बात करते हैं 14 होते हैं। टोटल काउंट करो, टोटल काउंट करोगे तो बैठ जाएंगे 30 बोन, ठीक है, 30 बोन। तो एक तो समझ में ये आ गया 30 बोन कैसे हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजीज 14, सेट हो गया होगा ब्रेन में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ज्वाइंट की, ठीक है। ज्वाइंट साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, डिटेल में हम लास्ट में ज्वाइंट को एक साथ फिर कंपाइल करेंगे। ज्वाइंट की बात करते हैं तो सीक्वेंस समझ में आ गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, रिस्ट में 8 कार्पल्स, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजीज 14, नंबर भी लिख दिए मैंने, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और फैलेंजीज 14, ठीक है, फैलेंजीज 14, टोटल हो गए 30 बोन, एकदम क्लियर है, ठीक है। अपर लिम्ब की बात कर रहा हूं मैं। अब जॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। यहां जो जॉइंट होगा, जगह कम है बट कोई नहीं, हम दिखा देते हैं, ध्यान रखना। यहां जो जॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आप समझ रहे हो। यहां पर एक बॉल है, सॉकेट में फिक्स है और आप किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो बाथरूम में शावर होता है उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, किसी में भी डायरेक्शन में रोटेट कर लो उसको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहां पर होता है बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके शोल्डर जॉइंट के अंदर काउंट होता है। तो शोल्डर जॉइंट कौन सा हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, जो किस किस के बीच में होता है? ह्यूमरस और आपके अपर गिडल, अपर गिडल में, ठीक है, जो एक आगे समझाऊंगा, गिडल ने समझाया नहीं है, ग्लिनॉइड कैविटी होती है उसमें फिक्स होता है ये, ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर, स्कैपुला के ग्लिनॉइड कैविटी में फिक्स होता है ह्यूमरस, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक जॉइंट तो क्लियर हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब क्वेश्चन यहां बड़ा अच्छा बनता है, क्वेश्चन बनता है कि जो यहां पर समझना एल्बो में जॉइंट होता है इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं, हिंज हिंदी में बोलते हैं कब्जा। अगर आप किसी डोर की बात करते हैं तो डोर को आप देखो एक डायरेक्शन में खोल सकते हो, सेकंड डायरेक्शन में डोर में लॉक लग जाता है, भाई एक डायरेक्शन में तो फोल्ड हो जाएगा, नेक्स्ट डायरेक्शन में लॉक लग जाएगा। तो ऐसे डोर जो ऐसे जॉइंट जो डोर के कब्जा या हिंज लाइक मूवमेंट शो करते हैं उनको हिंज जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप जानते हो भाई एक डायरेक्शन में तो मूवमेंट होगा, नेक्स्ट डायरेक्शन में लॉक लग जाएगा, मूवमेंट होगा देन लॉक लग गया, तो ऐसे जॉइंट को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, क्लियर है बिल्कुल। तो एल्बो की अगर बात करता हूं तो यहां पर ध्यान रखना हिंज ज्वाइंट देखने को मिलेगा। कौन सा? अब बात आती है हिंज ज्वाइंट कहां किस किस के बीच में देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है, क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान से देखना, आप इसको समझ में आएगा। देखो रेडियस, भाई थंब की साइड में जो है वो रेडियस है, रेडियस भी इस ज्वाइंट को बनाने में पार्टिसिपेट करती है और अल्ना भी इस ज्वाइंट को बनाने में पार्टिसिपेट करती है। यानी यहां जो हिंज ज्वाइंट बन रहा है वो ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना तीनों के बीच में बन रहा है। आप समझना मेरी बात, इन तीनों के बीच में ही या इन तीनों के बीच में जो ज्वाइंट बनता है इसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। जगह कम है पर कोशिश करते हैं दिखाने की। हिंज ज्वाइंट, तो हिंज ज्वाइंट किस किस के बीच में बनता है? हिंज ज्वाइंट, ठीक है, ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना इनके बीच में, यानी रेडियस और अल्ना दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस हिंज ज्वाइंट को बनाने के लिए। पर लोअर लिम्स में ऐसा नहीं होता। लोअर लिम्स में यहां जो हिंज ज्वाइंट बनता है उसमें सिर्फ टीबिया पार्टिसिपेट करती है, फिबुला पार्टिसिपेट नहीं करती। इसीलिए इस पर क्वेश्चन आता है, इसलिए समझा रहा हूं मैं। यहां जो हिंज ज्वाइंट बनेगा बेटा उसमें ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो रेडियस और अल्ना दोनों के बीच में और ह्यूमरस के बीच में ज्वाइंट बनता है, इसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, एक्चुअल में रेडियस और अल्ना के बीच में भी एक ज्वाइंट होता है। रेडियस और अल्ना, देखो ये निकल रहा है ना, ये यहां पर भी एक ज्वाइंट होता है। रेडियस और अल्ना के बीच में यहां जो ज्वाइंट होता है इसको बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट। तो पाइवोट ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, पाइवोट ज्वाइंट। तो पाइवोट ज्वाइंट रेडियस और अल्ना के बीच में होता है। समझ में भी आ रहा है भाई? ये निकला हुआ पार्ट है, ये कुली फंसी हुई है इसके अंदर। देखो अब ये रोटेशन हो रहा है, दिस इज अ पाइवोट ज्वाइंट। अगर मैं अलग से दिखाना चाहूं, समझने की कोशिश करना, ये एक बोन है, इस बोन में दूसरी बोन, ये दूसरी बोन, मान लो ये दूसरी बोन है, ये बोन इसमें फंसी हुई है, ये ऐसे। तो अब ये रोटेशन होगा, ये वाला रोटेशन रेडियस और अल्ना के, यानी कह सकते हो ये रेडियस अल्ना के ऊपर रोटेट कर रही है इस तरीके से। दिस इज अ पाइवोट ज्वाइंट, कुली में घूम रहा है पाइवोट ज्वाइंट। समझाया था मैंने, एटलस एक्सिस के बीच में पाइवोट ज्वाइंट, रोटेशन लेफ्ट राइट पाइवोट ज्वाइंट, यहां भी पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना के बीच में तो पाइवोट ज्वाइंट है, ठीक है, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना इन तीनों के बीच में हिंज ज्वाइंट है। तो हिंज ज्वाइंट भी क्लियर हुआ आपको, हिंज ज्वाइंट भी क्लियर हुआ आपको, पाइवोट ज्वाइंट भी क्लियर हुआ आपको। हिंज मतलब कब्जा, एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो सेकंड डायरेक्शन में नहीं करेगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो 360 पे रोटेट कर जाएगा, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई ज्वाइंट वाली, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। अब कार्पल कितने होते हैं? 8, और इनके बीच में भी ज्वाइंट होते हैं, इसको हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं, जो धीरे धीरे स्लाइड करते हैं। जैसे ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मेटाकार्पल और फैलेंजीज, अब समझना, ये तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो गया, मैं आगे समझाऊंगा डिटेल में, जो रोटेट कर रहे हैं। एक बस कार्पल्स हो गए, फिर मेटाकार्पल्स हो गए, फिर फैलेंजीज हो गए। इनके बीच में ज्वाइंट कौन से हैं मैं आगे समझाऊंगा ज्वाइंट में, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। मेन पॉइंट थे, यहाँ समझा दिए मैंने, पाइवोट, हिंज, बॉल एंड सॉकेट, इन तीन पर फोकस करना। अभी जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं मैं आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो डायग्राम बेस्ड है, इनके लिए डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ डायग्राम से क्लियर आपके ये ज्वाइंट हो जाएंगे। तो क्या क्या क्लियर हो गया? फाइनलाइज करता हूं मैं अपर लिम्ब के बारे में। नंबर ऑफ बोन 30, भाई ये कौन सी होगी? ह्यूमरस। थंब की साइड में रेडियस, अपोजिट साइड में अल्ना। भाई रिस्ट में, कलाई में क्या है बेटा? आप बोलने वाले हो यहां पर 8 कार्पल्स हैं, 8 कार्पल्स। ये मेटाकार्पल्स 5, और अंगुलियों में, फिंगर्स में फैलेंजीज 3, 3, 3, 3, 2, 14, टोटल 30 बोन हो गए। नाम भी क्लियर हो गए, ठीक है, नंबर भी क्लियर हो गए। अब ज्वाइंट, दिस इज अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो 360 पर रोटेट कर रहा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब यहां पर ह्यूमरस और रेडियस अल्ना तीनों के बीच में हिंज, लॉक फोल्डिंग, लॉक फोल्डिंग, हिंज कब्जा। अब रेडियस और अल्ना के बीच में, यहां पर ये रेडियस और अल्ना के बीच में, यहां पर रेडियस और अल्ना के बीच में ज्वाइंट है पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट। कलाई में नहीं, यहां पर तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट है पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है, यहां पर पाइवोट ज्वाइंट, समझ में आ गया। फिर यहां पर तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, फिर ये आके आप मेटाकार्पल आ गए, ये फैलेंजीज आ गए, इनके बीच के ज्वाइंट हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बात तो हमारी ये क्लियर हो गई, अपर लिम्ब। अपर लिम्ब हमारा क्लियर है, मुझे लगता नहीं अपर लिम्ब में कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं एक बार अपर लिम्ब में कोई डाउट है। हाँ बेटा, अपर लिम्ब में कोई डाउट है? यस या नो? पाइवोट, हाँ बेटा पाइवोट। नीट 2021 आएगा, चलो बहुत बढ़िया बेटा, ओके ओके। कोई डाउट है क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अपर लिम क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अपर लिम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिल्कुल, वन ह्यूमरस, वन रेडियस, वन अल्ना, 8 कार्पल, बिल्कुल बढ़िया, 5 मेटाकार्पल एंड 14 फैलेंजीज। सुपर, याद हो गया आपको, सुपर एकदम, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर, ठीक है सुपर बेटा, बहुत बढ़िया, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ठीक है, क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके सर आप, सर आप मेरे भैया जैसे हो, मैं तुम्हारा भैया ही हूं, ठीक है, मान लो, ठीक है कोई नहीं, ओके स्टार्ट करते हैं। तो अगेन अब लोअर लिम की बात करते हैं, ठीक है, तो अपर लिम हमारा क्लियर है, लोअर लिम की बात करते हैं। अब लोअर लिम में समझना, सबसे पहले थाई बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है भाई। अपर बोन को क्या बोला हमने यहां पर, फीमर, इसको क्या बोलेंगे, सॉरी इसको क्या ह्यूमरस, इसको क्या बोलेंगे, फीमर। तो सबसे पहले थाई बोन आएगी, क्या बोलेंगे इसको, फीमर, नंबर वन। अब हाथ में क्या थी भाई, थम की साइड में रेडियस, अपोजिट साइड में अल्ना, तो यहां पर होगी टीबिया और फिबुला। मेन जो स्ट्रॉन्ग बोन होती है, फुटबॉल आप किक करते हो फुटबॉल, तो फुटबॉल जहां लगती है वो टीबिया, भाई पैरों में जहां फुटबॉल लगती है वो टीबिया स्ट्रॉन्ग बोन होती है। तो एक्चुअल में यहां पर जो ज्वाइंट बनता है वो टीबिया, भाई टीबिया और फीमर के बीच में मिलता है। अल्ना ज्वाइंट को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो यहां पर भी क्या बनेगा, हिंज ज्वाइंट बनेगा। तो यहां पर ज्वाइंट होगा, कौन सा ज्वाइंट होगा, हिंज। अगेन तो यहां पर भी हिंज ज्वाइंट होगा, ठीक है, पर इस हिंज ज्वाइंट को बनाने के अंदर फीमर पार्टिसिपेट करेगी, इस हिंज ज्वाइंट को बनाने के अंदर, ठीक है, टीबिया पार्टिसिपेट करेगी। ओनली टीबिया और फीमर ही पार्टिसिपेट करेंगे, फिबुला इस हिंज ज्वाइंट को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है। बस फिबुला तो क्या करती है, वो टीबिया से जुड़ी हुई है यहां और नीचे इधर एंकल से जुड़ी हुई है, ठीक है, इस हिंज ज्वाइंट को बनाने में, समझना ठीक है, हिंज ज्वाइंट को बनाने में उसका पार्टिसिपेशन नहीं है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात, पहली बात। तो फीमर समझ में आ गई कि बहुत स्ट्रांग बोन होती है बेटा, फीमर टीबिया के साथ हिंज ज्वाइंट बनाती है, ये ध्यान रखना है बेटा। अब यहां पर एक एडिशनल बोन है, इसको बोलते हैं पटेला, ठीक है, पटेला, इसको नी कैप भी बोलते हैं बेटा, जो टेंडन के ऑसिफिकेशन से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको नी के, अक्सर कर लोगों के नी पेन जो होता है वो पटेला का शेप बिगड़ जाने की वजह से भी हो जाता है, तो इसको रिप्लेस कर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट कभी कभी जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, तब जाकर के जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ, बहुत आगे की बात है। नॉर्मल केस में इस पटेला बोन, इस पटेला जो एक एडिशनल बोन है जो अपर लिम में नहीं थी, ये टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है, ठीक है, तो किसके ऑसिफिकेशन से, टेंडन, टेंडन के ऑसिफिकेशन से इसका फॉर्मेशन होता है पटेला बोन का, ध्यान रखना है आपको। ये एडिशनल बोन है जो अपर लिम में नहीं थी, पर टोटल बोन इक्वल है, क्योंकि यहां पर एक बोन कम हो जाएगी। फीमर एक है, अगर नंबर की बात करते हैं, नंबर देख लो पहले, नंबर ऑफ बोन फीमर 1, नंबर ऑफ बोन, ठीक है, टीबिया 1, नंबर ऑफ बोन फिबुला 1 है, ठीक है। अब पटेला एक एडिशनल आ गई, एक पटेला एडिशनल में आ गई, इसीलिए यहां पर भाई रिस्ट में कार्पल थे, समझना, एंकिल में टार्सल हैं, रिस्ट में कार्पल थे, एंकल में टार्सल हैं। कार्पल 8 थे पर टार्सल 7 रह जाएंगे, बस एक कम हो गया, क्यों, क्योंकि एक पटेला बढ़ गई। पटेला बढ़ जाने से टार्सल्स ओनली 7 ही रह गए, ध्यान रखना है आपको, जबकि मेटा टार्सल अगेन कितने होते हैं, 5, और फैलेंजीज अगेन 14, सेम है, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं बेटा। तो पहली बोन हो गई भाई थाई बोन, इसको फीमर बोलेंगे, जो टीबिया के साथ मिलकर के हिंज ज्वाइंट बनाती है, इसको नी ज्वाइंट भी बोलते हो, ठीक है, नी ज्वाइंट बनाती है, और इसमें नी कैप जो होती है उसको पटेला बोन बोलते हैं, जो टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है। यहां टीबिया और फिबुला, टीबिया और फीमर मिलकर के इस हिंज ज्वाइंट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहली बात, फिबुला इस ज्वाइंट को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती, यानी यहां पटेला एक एडिशनल बढ़ गई, तो यहां पर एंकिल में कार्पल की जगह टार्सल होंगे, पर एक कम होगा, यहां पर 8 कार्पल थे तो एंकल में 7 टार्सल होंगे, 7 टार्सल हो गए। फिर भाई यहां पर मेटाकार्पल थे तो यहां मेटाटार्सल हो जाएंगे, फैलेंजीज सेम के सेम रहेंगे, तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं आपको। क्लियर हो गया भाई। नंबर वन हमने बात की किसकी, फीमर की। फिर हमने बात की टीबिया, जो फुटबॉल आगे वाली बोन, जो आगे वाली लेग में बोन होती है फुटबॉल किक देने के लिए, टीबिया। पीछे वाली फिबुला, ठीक है, पीछे वाली फिबुला, जॉइंट बनाने में टीबिया पार्टिसिपेट करेगी, फिबुला नहीं करेगी। फिर टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजीज, 30 बोन एकदम क्लियर होंगे, ठीक है। नी कैप, पटेला, जो टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है, यहां तक एकदम क्लियर है। जॉइंट ये वाला क्लियर मैंने बता ही दिया आपको। और यहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अगेन भाई हिप जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट होता है, शोल्डर जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो ये बन गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके हिप में भी होते हैं, शोल्डर में भी होते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्लियर है। हिंज जॉइंट आपके भाई एल्बो में भी होता है, नी में भी होता है, बट यहां दोनों बोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां ओनली टीबिया पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है भाई। यहां कार्पल थे, यहाँ टार्सल है, 8 और 7 क्योंकि पटेला बढ़ गई। यहाँ मेटा कार्पल तो यह मेटा टार्सल, फैलेंजीज फैलेंजीज इक्वल एकदम टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है। यहां तक लोअर और अपर लिम्ब आपके क्लियर हैं, तो अगेन मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है या नहीं बेटा? अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, अब बचा हुआ है गिडल, तो गिडल पर आ रहे हैं, पहले एनसीईआरटी कराऊंगा फिर गिडल पर आ रहे हैं। ओके 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 एकदम क्लियर है। पटेला बेटा, पटेला बोन को ही सिस्मॉइड बोन भी बोलते हैं, बिल्कुल सही, पटेला को ही हम सिस्मॉइड बोन बोलते हैं, जो टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलो बहुत बढ़िया, एकदम सही, बहुत सही, बहुत सही। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, सुपर 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 सुपर, ठीक है। आपके सुपर सुपर कमेंट और बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, यहां अब एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं लाइन टू लाइन। द बोन ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गिडल, मैंने आपकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कराई है, ध्यान रखना, ठीक है। सुपर कंसेप्ट, इस आपने नॉर्मल कोर्स में भी इतनी चीजें नहीं की होंगी, ठीक है। एनसीईआरटी भी हम पूरी करा रहे हैं, पीवाईक्यूज भी पूरे करा रहे हैं, सुपर कंसेप्टल क्वेश्चन भी करा रहे हैं, आपको पीपीटी भी दे रहे हैं, ठीक है। और हम आपको सुपर सुपर कॉन्सेप्चुअल डायग्राम, फ्लो डायग्राम भी करा रहे हैं, बस, ठीक है। आपको एक अच्छी सी परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है, और अच्छी सी रिस्पॉन्स देने हैं और सिलेक्शन देना है, मजा आ जाएगा, ठीक है। द बोन ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गिडल कंस्टिट्यूट द एपेंडिकुलर स्केलेटन, ईच लिम्स इज मेड अप ऑफ, बताया मैंने कितनी बोन से मिलके बने होते हैं, 30 एकदम क्लियर है। द बोन ऑफ द हैंड, यानी 4 लिम्ब की बात कर रहे हैं, क्या क्या होंगे यहाँ पर, ह्यूमरस होगी, समझा चुके हैं, रेडियस होगी, अल्ना होगी, कार्पल्स होंगे, रिस्ट बोन कहते हैं, 8 इन नंबर, ठीक है। मेटाकार्पल्स पाम बोन बोलते हैं, ठीक है, 5 इन नंबर, एंड फैलेंजीज, डिजिट्स कितने होते हैं, 14 इन नंबर। ये एकदम क्लियर है, यहाँ कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाई लोअर लिम्ब की, भाई थाई बोन होती है, फीमर, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, फिर टीबिया, फिबुला, टार्सल, पर टार्सल यहाँ पर एक कम होगा, 7, क्यों, क्योंकि पटेला बोन बढ़ जाती है, ठीक है। मेटाटार्सल्स 5 होंगे, अगेन फैलेंजीज अगेन 14 होंगे। आर बोन ऑफ द लेग, ठीक है, हाइंड लिम्ब्स बोलते हैं। अ कप शेप बोन, जिसको पटेला बोलते हैं, कवर द नी वेंट्रली, सो इट इज कॉल्ड नी कैप, इसलिए इसको हम नी कैप भी बोलते हैं, ठीक है। वेंट्रल साइड पर होती है, आगे की साइड, जहां माउथ होगा वो वेंट्रल साइड है, तो आगे की साइड लगी होती है, सो इट इज कॉल्ड वेंट्रल साइड, ठीक है। नी कैप जो टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्मॉइड बोन। तो यहां तक वाला पार्ट एकदम क्लियर है, लिम्स बोन हमारे एकदम क्लियर हैं। अब हम फाइनली आते हैं गिडल, ठीक है, गिडल। अब गिडल पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एकदम आपके ब्रेन में सेट करूंगा, ठीक है, बिल्कुल सुपर तरीके से, एनसीईआरटी विद एडिशनल पॉइंट, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मेरा कोशिश यही है बेटा कि एक एक चीज आपको याद करा दूं, विद कंसेप्ट, विद डायग्राम, फ्लो डायग्राम, विद एनसीईआरटी, विद पीवाईक्यू, सब कुछ कवर करने वाले हैं। लास्ट गिडल बचा हुआ है, गिडल के बाद हम जॉइंट्स पर आ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम जॉइंट्स कवर करते जा रहे हैं, फिर इकट्ठे एक साथ जॉइंट्स और लेंगे हम, ठीक है, ठीक है। टेंडन का ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि कैल्शियम का डिपोजिशन, टेंडन पर धीरे धीरे कैल्शियम डिपोजिट होता है और वो हार्डिंग हो जाता है, हार्डनेस आ जाती है, और एक बोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को बोलते हैं ऑसिफिकेशन यानी कैल्शियम का डिपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ गिर्डिल। अगर मैं गिर्डिल की बात करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ बोन गिर्डिल में कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ बोन गिर्डिल में बेटा 6 होते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो गिर्डिल के अंदर 4 + 2, अपर गिर्डिल के अंदर 4 और लोअर गिर्डिल में 2। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, पैक्टोरल और पैल्विक, भाई अपर गिर्डिल को बोलते हैं पैक्टोरल और लोअर गिर्डिल को बोलते हैं पैल्विक। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर समझो। ठीक है, क्वेश्चन कहां से आएगा वो समझो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ठीक है, पैक्टोरल गिर्डिल की, फिर पैल्विक की बात करते हैं। तो पैक्टोरल गिर्डिल के अंदर हाफ, भाई हाफ के अंदर 2 बोन होते हैं। भाई आगे तो क्लाविकल हो गई, भाई आगे कॉलर बोन, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जितने भी ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं बेटा उसमें कॉलर बोन के एक मार्क्स होते हैं। ठीक है, जिसका ज़्यादा कॉलर बोन निकला हुआ होता है उसके पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं। ठीक है, पर निकला हुआ का मतलब है कि ऐसा ना हो कि बॉडी के अंदर फैट ही नहीं है, फैट के साथ अगर कॉलर बोन है तो उसके पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं ब्यूटी बोन। ठीक है, इसलिए इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। तो आगे जो दिख रही है बेटा समझना, तो ये आगे जो दिख रही है आपको, ये तो कॉलर बोन है। ठीक है, कॉलर बोन जो एस शेप में होती है, शेप कैसी होगी इसकी? एस शेप। ध्यान से देखोगे कुछ इस तरीके से होगी एस शेप, तो इसको हम ब्यूटी बोन। ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, ओके, एस शेप में होती है, कॉलर बोन बोलते हैं इसको, ब्यूटी बोन बोलते हैं इसको। ठीक है, जनरली नेम कॉलर बोन, ध्यान रखना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाविकल। शेप कैसी होती है? एस शेप। ठीक है, हाफ गिर्डल की बात कर रहे हैं, सेम हाफ में भी ऐसा ही होगा पहला। अब ये आगे से तो जाती है कॉलर बोन और पीछे से आती है स्कैपुला का एक प्रोसेस होता है एक्रोमियन प्रोसेस, यानी पीछे से एक्रोमियन प्रोसेस, आगे से क्लाविकल बोन मिलकर के हम ज्वाइंट होते हैं और इसको बनाते हैं शोल्डर। तो शोल्डर का फॉर्मेशन एक्चुअल में पीछे से तो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, क्योंकि ट्रेंगुलर बोन पीछे स्कैपुला होती है। देखा होगा लोग जिम में जाते हैं तो स्कैपुला को बाहर निकालते हैं, यानी स्कैपुला विंग्स क्रिएट करते हैं, लाइक अ विंग्स। ठीक है, तो ट्रायंगुलर बोन होती है, इसको तो बोलते हैं स्कैपुला। देखो ध्यान से देखोगे, दिस आर ट्रायंगुलर बोन, ये ट्रायंगुलर बोन, ये ऐसे ऐसे, और यहां एक कैविटी बनाती है ट्रायंगुलर बोन, इसको तो बोलते हैं स्कैपुला। तो क्वेश्चन आता है स्कैपुला के ऊपर कि स्कैपुला कितने रिब्स को कवर करती है, किस किस रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी की लाइन है। तो आप बोलोगे स्कैपुला प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड एंड 7th रिप्स, यानी ये क्वेश्चन मिलेगा कि स्कैपुला 2nd और 7th रिप्स के बीच में, यानी यहां पर अपरली, इसको यानी कितने रिप्स को कवर करती है? 2nd और 7th रिप्स को कवर करती है। तो एक ट्रेंगुलर बोन है बेटा स्कैपुला। ठीक है, ध्यान रखना है। और उस स्कैपुला का प्रोसेस होता है, स्कैपुला का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्वेश्चन आता है एक्रोमियन प्रोसेस किसका प्रोसेस है? स्कैपुला का प्रोसेस है, क्लाविकल का प्रोसेस है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं लिख देता हूं इसको भी, कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस पूरा ही लिख दो। प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ये स्कैपुला का प्रोसेस है। तो स्कैपुला का जो प्रोसेस होता है बेटा इसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। तो इधर से एक्रोमियन प्रोसेस जाएगा, उधर से ठीक है क्लाविकल बोन आएगी, मिलकर के शोल्डर का फॉर्मेशन करेंगे। तो शोल्डर को बनाने के लिए ठीक है एक्रोमियन प्रोसेस और स्कैपुला, ठीक है सॉरी एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड क्लाविकल, आगे से क्लाविकल वेंट्रल साइड पर, डोर्सल साइड पर, ठीक है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला मिलकर के शोल्डर का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया होगा। शोल्डर ये पीछे से पीछे की साइड से कौन सी आ रही है? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, आगे से कौन सी आ रही? क्लाविकल। जॉइंट को करके मिलकर के जो जैसे शोल्डर को बनाने के लिए हाफ शोल्डर, ठीक है और हाफ शोल्डर। तो इधर से पीछे से एक्रोमियन प्रोसेस, आगे से क्लाविकल, यहाँ जॉइंट हो गए और शोल्डर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और स्कैपुला के अंदर एक कैविटी होती है, इस पर तो क्वेश्चन बहुत सुपर बनता है यहां एक कैविटी होती है बेटा, इस कैविटी को बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। क्वेश्चन आएगा ग्लिनॉइड कैविटी। तो ग्लिनॉइड कैविटी कहां मिलती है? स्कैपुला के अंदर कैविटी मिलती है। ये कैविटी किसके लिए? ये एक्चुअल में वो कैविटी है जो क्या काम करती है, ये आपके ह्यूमरस के हेड को, इसी में तो होता है ह्यूमरस का हेड, ह्यूमरस का हेड इसी में फंसा हुआ होता है और यहां बनता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। समझाया था मैंने। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ग्लिनॉइड कैविटी जो स्कैपुला का पार्ट है वहां मिलकर के बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनता है। ह्यूमरस का हेड ग्लिनॉइड कैविटी में, स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी में, ठीक है, एम्बेडेड होता है, फंसा हुआ होता है और आर्टिकुलेट करता है 360 एंगल पर। सो इट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। करा चुका हूं ये वाली बात में। शोल्डर ज्वाइंट बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं, शोल्डर ज्वाइंट बोलो, ठीक है। तो हम दिखा भी देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर ज्वाइंट। तो शोल्डर जॉइंट आपका क्लियर हो गया। एक्रोमियन प्रोसेस मत भूल जाना, स्कैपुला का प्रोसेस है। ग्लिनॉइड कैविटी मत भूल जाना, क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस का हेड मिलकर के ही शोल्डर या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन आता है, यहां मत भूल जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्कैपुला कितने रिप्स को कवर करती है? सेकेंड और सेवेंथ रिप्स को कवर करती है। ये सारे वो मेन पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सारे पॉइंट कवर हो गए आपके। तो टू बोन हो गए यहाँ पर, क्लाविकल बोन हो गई, ठीक है, नंबर वन, और नंबर टू स्कैपुला हो गई। इन दोनों के मिलने से, ठीक है, हाफ शोल्डर का फॉर्मेशन होता है और देन अगेन हाफ में भी ये टू बोन होते हैं। टोटल फोर बोन हो गए। तो एक बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। पैक्टोरल एंड पैल्विक डिडल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्कैटर सिस्टम। ईच, अब आ जाओ, ईच गिडल इज फॉर्म ऑफ टू हाफ, ईच हाफ ऑफ पैक्टोरल गिडल। भाई पेक्टोरल की बात कर रहा हूं पहले मैं, अपर गिडल की बात कर रहा हूं। इसमें क्या क्या होते हैं? क्लाविकल बोन होती है और स्कैपुला होती है। क्लाविकल एस शेप होती है, स्कैपुला ट्रायंगुलर होती है। स्कैपुला सेकंड और सेवेंथ रिप्स को कवर करती है। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन डॉर्सल साइड, पीछे की साइड में होती है, ऑफ द थोरैक्स, ठीक है। अब किस किसके बीच में? बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिप्स। ये क्वेश्चन आता है, किस किसके बीच में? बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिप्स, इसके बीच में प्रेजेंट होती है। ये ध्यान रखना है। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज, इसको बोलते हैं भाई जो निकला हुआ पार्ट है, कॉल्ड द स्पाइन, विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट, ठीक है, एक्सपेंडेड प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। इसमें क्वेश्चन आता है। और यही एक्रोमियन प्रोसेस शोल्डर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाविकल बोन के साथ। द क्लाविकल आर्टिकुलेट विद दिस, यानी क्लाविकल इसके संग क्या करती है? आर्टिकुलेट करती है और शोल्डर का फॉर्मेशन करती है। बिलो द एक्रोमियन इज अ, ठीक है, डिप्रेशन। इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी। अगेन क्वेश्चन कहां बनेगा? ग्लिनॉइड कैविटी बनेगा। कि ग्लिनॉइड कैविटी वो कैविटी होती है जिसमें ह्यूमरस का हेड फिक्स होकर के बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लिख भी दिया है, हेड ऑफ ह्यूमरस टू द फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट। समझा दिया मैंने। ईच क्लाविकल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन विथ टू, ठीक है, कर्वेचर, दो कर्व होते हैं तो एस शेप बोलते हैं इसको। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन, इसी को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लियर हो गई। कहां से क्वेश्चन आ सकता है वो सारी बातें मैंने बता दी हैं। कंसेप्ट सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ज्वाइंट से बनता है। तो वहां पर हम एडिशनल पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आएगा। यहां से हमने जो भी एडिशनल पॉइंट ऐड कर दिए हैं, कहां कहां क्वेश्चन बन सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट। क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा इससे आपको। अब सेकंड गिडल की बात करते हैं, पैल्विक गिडल, ठीक है। इसको कूल्हे की बोन भी बोलते हैं, पैल्विक गिडल भी बोलते हैं, ठीक है। टू हाफ से मिलकर बना होता है। हाफ ऑफ पैल्विक को हम कॉक्सल बोन बोलते हैं। तो लिख देता हूं ये वाली बात भी मैं। हाफ ऑफ पैल्विक को हम क्या बोलते हैं? कॉक्सल। और ऐसे ही टू कॉक्सल के मिलने से पैल्विक गिडल का फॉर्मेशन होता है। तो सिंगल कॉक्सल की बात करता हूं। ये हाफ कॉक्सल दे रखा है, इधर कॉक्सल। हाफ ऑफ पैल्विक को हम क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन बोलते हैं। और इस कॉक्सल का फॉर्मेशन थ्री बोन के फ्यूज होने से होता है। थ्री बोन, अब कौन कौन से बोन? जो सबसे बड़ी बोन होती है बेटा, सबसे बड़ी बोन इलियम, ये सबसे बड़ी बोन, लार्जेस्ट बोन जो दिख रही है आपको, तो उसको तो बोलेंगे इलियम, ठीक है, लार्जेस्ट होती है। भाई लार्जेस्ट कौन सी होगी, इलियम होगी। स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, प्यूबिस। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी होती है प्यूबिस। और जो लोअर साइड में होती है इश्चियम। इस तीन बोन के मिलने से इस हाफ कॉक्सल का फॉर्मेशन होगा और टू कॉक्सल के मिलने से पैल्विक गिर्डल का फॉर्मेशन होगा। तो हाफ ऑफ पैल्विक कॉक्सल है, ठीक है, और ऐसी टू कॉक्सल के मिलने से पैल्विक गिर्डल का फॉर्मेशन होगा। दोनों पैल्विक गिर्डल आपस में जुड़े होते हैं कार्टिलेज से, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर है? बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे इसके ऊपर देखो, वो क्वेश्चन जो आपने सोचे भी नहीं होंगे डायरेक्टली मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, जैसे मैंने अभी शोल्डर ज्वाइंट के अंदर बताया था ग्लिनॉइड कैविटी, ऐसे यहां पर होता है एसिटाबुलम। दे भी रखा होगा यहां पर शायद, हाँ एसिटाबुलम, तो इसी की हम बात करेंगे। यहां जो देखने को मिलेगा बेटा एसिटाबुलम, तो ये जो देखने को मिल रहा है दिस इज अ एसिटाबुलम, ठीक है। अब एसिटाबुलम कैविटी पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि जो एसिटाबुलम है, ठीक है, इसमें किस बोन का हेड आकर के फिक्स होता है, ठीक है। तो फीमर, फीमर का हेड यहां पर आके फिक्स होता है और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है। पहला क्वेश्चन। अगर मैं एसिटाबुलम की बात करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन तो एसिटाबुलम पर आएगा। हेड ऑफ फीमर, इसमें हेड ऑफ फीमर और जॉइंट जो बनता है, जॉइंट कौन सा बनेगा आप बोलोगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बस दो क्वेश्चन बनेंगे। हेड ऑफ फीमर यहां पे फिक्स होता है बेटा, इसके अंदर आकर के हेड ऑफ फीमर फिक्स होगा और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा इस एसिटाबुलम कैविटी में। जो कहां पर होती है एसिटाबुलम, आप बोलोगे एसिटाबुलम आपके पैल्विक गिर्डल में होती है। इसको हिप जॉइंट भी बोलते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल सकते हो या हिप जॉइंट भी बोल सकते हो, हिप जॉइंट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन इस पर बनता है कि एसिटाबुलम का फॉर्मेशन किस किस बोन के फ्यूज होने से बनता है। तो इस एसिटाबुलम का फॉर्मेशन तीनों बोन के फ्यूज होने से, देखो हाँ ये भी है, इश्चियम भी है, प्यूबिस भी है और यहां पर इलियम भी है। यानी इसके अंदर आपको इलियम भी देखने को मिल रही है, इसके अंदर आपको इश्चियम भी देखने को मिल रही है और प्यूबिस भी देखने को मिल रही है। तीनों के फ्यूज होने से इसका फॉर्मेशन होगा। इस पर क्वेश्चन आता है। तीनों के मिलने से बनेगा, इलियम भी है इसके अंदर, प्यूबिस भी है इसके अंदर और इश्चियम भी है इसके अंदर, ठीक है। इन तीनों के मिलने से इस कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इस कैविटी को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। पहला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हो गए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हिडन है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दे रखे, आपको समझने होंगे, ठीक है। यहां एक कैविटी और दिखती है बेटा, इस कैविटी पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इस कैविटी को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। फोरामेन माने होल, कैविटी। अब क्वेश्चन आएगा इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का फॉर्मेशन किस किस बोन के मिलने से होता है। तो देखो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के अंदर सिर्फ दो ही बोन नजर आएंगे आपको, एक प्यूबिस और इश्चियम। इसमें इलियम पार्टिसिपेट नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये दो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है डायग्राम से। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, इसमें कितने बोन होंगे, इसका फॉर्मेशन दो बोन के होने से होगा, प्यूबिस, प्यूबिस प्लस, ठीक है, इश्चियम। बस ये पॉइंट बता रहा हूं जो हिडन होते हैं, जिन पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गए कि ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो इंटरनल होल है, इसका फॉर्मेशन प्यूबिस और इश्चियम, और यहां पर जो एसिटाबुलम है इसका फॉर्मेशन तीनों बोन के फ्यूज होने से बनता है। एसिटाबुलम एक कैविटी है जिसके अंदर फीमर का हेड फिक्स होकर के बॉल एंड सॉकेट या हिप जॉइंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपके, एकदम एनसीईआरटी भी क्लियर है। पैल्विक गिर्डल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन। थ्री बोन कौन कौन से हो गए, यहाँ पर थ्री बोन की अगर बात करते हैं तो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर, इलियम, इश्चियम एंड प्यूबिस। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन द एबव बोन इस कैविटी क्या बोलते हैं एसिटाबुलम, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैविटी है, वहां पर ग्लिनोइड कैविटी, यहाँ पर एसिटाबुलम। तो विच थाई बोन आर्टिकुलेट, थाई बोन यानी फीमर इसमें आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। द टू हाफ ऑफ द पैल्विक गिडल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस, मैंने बताया था ये हाफ बोन दूसरी हाफ बोन से जुड़ेगी, बीच में कार्टिलेज होगी, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, जो फाइब्रस कार्टिलेज है, ध्यान रखना स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। तो फाइब्रस कार्टिलेज के एग्जांपल आपको पता भी होंगे, हम टिश्यू में कराते भी हैं, ठीक है। एक तो प्यूबिक सिम्फाइसिस फाइब्रस कार्टिलेज हो गई, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क फाइब्रस कार्टिलेज हो गई, दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज हैं, ठीक है। और यहाँ जो ज्वाइंट बन रहा है, ज्वाइंट को आप क्या बोलोगे, सेमी मूवेबल ज्वाइंट है, तो आप बोलोगे इसको कार्टिलेजनस ज्वाइंट, ठीक है। तो ये सारे वो पॉइंट हो गए, एनसीईआरटी कवर कर दी हमने। जहां से क्वेश्चन आते हैं हिडन पॉइंट्स, ये क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, यानी हमारा ये बोन वाला पार्ट एकदम क्लियर है। अब लास्ट बचा हमारा जॉइंट। अब जॉइंट आपके ब्रेन में सेट करना है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, एकदम क्लियर कट होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा। यहां तक एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। लास्ट में ज्वाइंट। अब देखो, एक गेम खेला होगा आपने सी शॉ, ठीक है भाई, इधर एक जना बैठ जाता है, एक उधर बैठ जाता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। तो बस अब जिसके ऊपर ये प्लेट रखी होती है उसको फलक्रम बोलते हैं। फलक्रम हमारे बॉडी के जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं एनसीईआरटी की लाइनें बता रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइनें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहां फलक्रम की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी दे रखा है फलक्रम क्या है। तो फलक्रम एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, फलक्रम रिप्रेजेंट करता है जॉइंट्स को। फलक्रम किसको रिप्रेजेंट करता है, जॉइंट्स। ये जॉइंट है, यानी जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है फलक्रम। यानी जैसे समझो मेरी बात, यही ले लेते हैं, मान लो ये बेट है, ठीक है, ये मेरा भाई एल्बो रखा हुआ ये, ठीक है। तो एल्बो मेरा क्या हो गया, फलक्रम हो गया। इधर वेट आ गया, वेट को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट किया, रेजिस्टेंस। वेट आ गया, वेट की वजह से क्या होगा, मेरा हाथ नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। पर मैं बैलेंस करना चाहता हूं तो फलक्रम के ऊपर बैलेंस करूंगा, तो उसको उठाऊंगा। उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बाइसेप्स के मसल्स। तो ये क्या होगा, इफर्ट। तो इफर्ट में क्या लगाऊंगा, बाइसेप्स। तो बाइसेप्स के मसल्स वेट, बाइसेप्स के मसल्स वेट। तो ये मूवमेंट, फलक्रम ज्वाइंट्स होते हैं जो वेट और बॉडी को बैलेंस करने के लिए मसल्स का मूवमेंट, ठीक है। जैसे आप समझो कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट, कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट पीछे होता है, ये फलक्रम है। अगर हमारे मसल्स नहीं होते तो हमारी नेक का वेट आगे है, तो नेक कहाँ जाती है, नीचे। बट आप क्या करते हो, बैक मसल्स में एफर्ट लगाते हो तो नेक को ऊपर खींचते हो, ये ठीक है। तो आपका बैलेंस आ गया। तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए बेटा क्या क्या चीज होती है, फलक्रम, सीशॉ। पूरी बॉडी में जॉइंट्स में सीशॉ गेम हो रहा है, ठीक है। यानी जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है फलक्रम। एक तरफ तो वेट लगा रहे हो आप, वेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फलक्रम, सॉरी वेट किसको रिप्रेजेंट, रेजिस्टेंस, ये वेट है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी। इम्बैलेंस कर दी मैंने, ठीक है, ये इम्बैलेंस दिखा रही है, इसकी वजह से बॉडी क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस। पर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो एफर्ट लगाओगे। तो एफर्ट कहाँ लगाओगे आप, इसको अपोजिट डायरेक्शन में, इसको नीचे खींचोगे, ठीक है। तो भाई वेट नीचे लग रहा है, इधर नीचे वेट नीचे लग जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से इसकी बैलेंस बिगड़ गई इसकी। तो एफर्ट कहाँ लगाओगे, या इधर देखोगे तो नीचे से ऊपर खींचोगे इसको, ठीक है, या इधर से देखोगे तो ऊपर से नीचे लगाओगे। तो ये आप क्या करने वाले हो, एफर्ट, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एफर्ट लगा करके, यानी एफर्ट रेजिस्टेंस, तभी आप इस बॉडी को मेंटेन कर पाओगे। एफर्ट आप लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, इस वेट के हिसाब से देखोगे, तब बॉडी को मेंटेन कर पाओगे। तो क्वेश्चन बस फलक्रम पर आता है। फलक्रम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फलक्रम जॉइंट्स को, सीशॉ गेम है, ठीक है। तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया आपको, ठीक है, ये फलक्रम हो गया, ठीक है, आपकी एल्बो ज्वाइंट, हाथ में वेट नीचे जा रहा है हैंड, बट बाइसेप्स मसल्स एफर्ट लगा करके हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर लेकर के आ रहे हैं। तो वेट नीचे, एफर्ट लगा के ऊपर। तो ये फलक्रम पर क्या रहा, मूवमेंट, सीशॉ गेम स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपकी नेक नीचे जा रही है, एफर्ट लगा के ऊपर लेके आ रहे हो, फिर नेक वेट से नीचे जा रही है, एफर्ट लगा के ऊपर लेके आ रहे हो। तो दिस इज सीशॉ गेम। तो इस गेम के अंदर जो ज्वाइंट हो गया वो क्या हो गया, फलक्रम हो गया, ज्वाइंट फलक्रम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी का पहला पॉइंट, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। फलक्रम क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, एफर्ट क्या होता है, ठीक है। अब ज्वाइंट्स, ये एकदम टिप्स पर करने हैं, टिप्स पर, एकदम टिप्स पर, लास्ट, ठीक है। अगर मैं जॉइंट्स की बात करता हूं तो अब समझना, सबसे पहले हम जॉइंट्स में बात करेंगे बेटा। जॉइंट्स, भाई टाइप्स ऑफ जॉइंट, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस जॉइंट, नंबर 2 हम बात करने वाले हैं यहां पर कार्टिलेजनस जॉइंट, नंबर 3 बात करने वाले हैं यहां पर हम साइनोवियल जॉइंट। तो हम जॉइंट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कार्टिलेजनस, फाइब्रस एंड साइनोवियल, ठीक है, इतना तो बेसिक आपको पता भी होगा। जॉइंट्स 3 टाइप के होते हैं। फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट होते हैं बेटा जो कॉलेजन फाइबर के डिपोजिट होने से फ्यूज कर देते हैं बॉन्ड को, यानी इमूवेबल जॉइंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉलेजन फाइबर। जैसे एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दे रखा है स्विचर्स, ठीक है, जो आपके स्कल बोन होते हैं वो आपस में फ्यूज हैं, मूव नहीं करते क्योंकि उनमें कॉलेजन फाइबर भरा हुआ है बीच में, तो उसको हम स्विचर्स बोलते हैं, द फाइब्रस जॉइंट। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है। स्कल बोन में स्ट्रक्चर्स है बेटा, इट इज अ सुपर एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, सुपर एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉलिजन फाइबर। आपके टीथ भी सॉकेट में फंसे हुए हैं, इमूवेबल जॉइंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉलिजन फाइबर, इट इज कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं कार्टिलेजनस जॉइंट। अगर मैं कार्टिलेजनस जॉइंट की बात करता हूँ, समझना जिस सेमी मूवेबल जॉइंट होते हैं, सेमी मूवेबल, और इनको बनाने के लिए कार्टिलेज रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, सेमी मूवेबल जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट, ठीक है। तो देखो अभी बताया मैंने, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और रिब्स और स्टर्नम के बीच में भी कार्टिलेज है। कौन सी कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज। तो 3 जॉइंट बेटा कार्टिलेजनस जॉइंट है। नंबर 1 प्यूबिक सिम्फाइसिस, नंबर 2 इंटर वर्टिब्रल डिस्क, नंबर 3, अच्छा थोड़ा नीचे ही कर देते हैं इसको, नंबर 3 joints between ribs and sternum। भाई स्टर्नम रिब्स के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये तीनों के तीनों कार्टिलेज हैं, सेमी मूवेबल हैं, सो इट इज कॉल्ड कार्टिलेजनस जॉइंट या सेमी मूवेबल जॉइंट। तो ये वाले जॉइंट भी क्लियर हो गए, सेमी मूवेबल या कार्टिलेज जॉइंट बोलेंगे इसको, तो ये भी हमारा एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइब्रस भी हमारा क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम साइनोवियल जॉइंट। अगर हम साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं तो समझने होंगे, साइनोवियल जॉइंट का मतलब समझते हो, मूवेबल जॉइंट, क्योंकि इन जॉइंट के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, तो ये इन जॉइंट को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सो इट इज कॉल्ड मूवेबल जॉइंट, ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा समझा ही दूंगा आपको हल्का सा। ये एक बोन, दूसरी बोन, इन दोनों बोन के बीच में इस तरीके से ये मेम्ब्रेन होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसमें लिक्विड भरा होगा साइनोवियल फ्लूइड, जो इन जॉइंट को रोटेट करने में हेल्प करता है, सो इट इज कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट। अगर मैं साइनोवियल जॉइंट की बात करता हूं तो इसको हम क्लासीफाई करने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना। मूवेबल जॉइंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसके अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकेंड पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। नंबर 3 पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर हिंज जॉइंट। नंबर 4 पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम ग्लाइडिंग जॉइंट। नंबर 5 पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम बेटा शैडल जॉइंट। और लास्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम पाइवोट जॉइंट। ये जॉइंट साइनोवियल जॉइंट्स हैं सारे सारे, जिनके हम एक एक एग्जाम्पल समझेंगे कहाँ पर कौन से जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट मतलब इमूवेबल जॉइंट हमारे क्रेनियम के सुचर्स, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जो सारे प्लेट फ्यूज होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉलिजन फाइबर। कार्टिलेजनस जॉइंट प्यूबिक सिम्फाइसिस, फाइब्रस कार्टिलेज है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क अगेन फाइब्रस कार्टिलेज है। और जॉइंट्स बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, वहां पर कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज, इट इज कॉल्ड फाइब्रस कार्टिलेजनस जॉइंट। अब हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, कॉन्डाइलॉइड, हिंज, ग्लाइडिंग, शैडल एंड पाइवोट, इनके एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, ठीक है। अब समझना है इनके एग्जाम्पल एकदम टिप्स पर करते हुए। तो बॉल एंड सॉकेट में तो सोचना ही नहीं है, तो बॉल एंड सॉकेट में तो बस आपको 2 एग्जाम्पल याद कर लो, काम हो जाएगा, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। शोल्डर एंड हिप जॉइंट समझ गए होगे, जो 360 एंगल पर रोटेट करते हैं, ठीक है। एक ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी के बीच में, एक फीमर और एसीटाबुलम के बीच में बन रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। कॉन्डाइल 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 समझ में आ गया, डाइकॉन्डाइल कॉन्डाइल जो इस तरह रोटेट करते हैं, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। तो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो स्कल और किसके बीच में होते हैं? एटलस के बीच में होते हैं, ठीक है, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। अब ध्यान रखना है आपको, और कॉन्डाइलॉइड जॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं? ये आप यहाँ पंच देते हो ना, पंच, ये पंच है, आगे वाला पार्ट, ये आगे वाला पार्ट देख पा रहे होगे, ये आगे वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, जो निकल रहा है मेरा बाहर निकल रहा है, यहाँ कॉन्डाइल है। कॉन्डाइल तो पीछे भी चला जाएगा, देखो यहाँ से फिंगर पीछे चली गई, ठीक है, फिंगर पीछे जा रही है, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, हाँ ऐसे समझ पाओगे, फिंगर पीछे जा रही है, यहाँ पर फिंगर पीछे जा रही है, मीन्स यहाँ पर जो ज्वाइंट होगा, यहाँ पर जो ज्वाइंट होगा ये कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट है, यहाँ पर ज्वाइंट कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट, क्योंकि अगर यहाँ पे हिंज होता तो बैक डायरेक्शन में फिंगर नहीं जाती, ठीक है, कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट। तो जितने भी ये दिख रहे हैं आपको सारे पार्ट, ऑल आर कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। तो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड फैलेंजीज, ऐसे पैरों में भी मेटाटार्सल एंड फैलेंजीज, ठीक है, मेटाकार्पल एंड फैलेंजीज एंड मेटाटार्सल और फैलेंजीज, ध्यान रखना है आपको। तो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो उसका एग्जाम्पल बढ़िया सा, ये तो प्रेजेंट बिटवीन ठीक है स्कल एंड एटलस। इसके अलावा हम बात करते हैं और कहां मिलेंगे, आप बोलोगे मेटा कार्पल एंड टार्सल भी, दोनों लिख देते हैं, मेटा कार्पल एंड टार्सल एंड फैलेंजीज। चलो इतना याद रख लो, सफिशियंट है। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट क्लियर हो गए, कॉन्डाइल ठीक है जो पीछे तक जा सकते हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। अब बताते हैं हिंज। हिंज मतलब कब्जा, कब्जा का मतलब एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगा और सेकंड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। अब आ जाओ हिंज पर आ जाते हैं, हिंज जॉइंट। तो मैंने बताया था भाई ये भाई एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल में भी कब्जा वाला जॉइंट होता है, ठीक है, हिंज। ग्लाइडिंग भी होता है और कब्जा जॉइंट भी होता है, ठीक है, और एटलस रेडियस और अल्ना के बीच में भी, सॉरी यहाँ पाइवोट हो गया हिंज, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, ठीक है, 2 और एंकल में भी हो गया 3। और हिंज कहाँ बताया था मैंने, एक जगह और हिंज आपको बताया मैंने, यहाँ पर कॉन्डाइलॉइड हो गया, ठीक है, वहाँ भी कार्टिलेजियस हो गया, ठीक है, 3 हो गए। तो हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ बताया हमने, सबसे पहले ठीक है एंकल, एल्बो, नी, 3 जॉइंट तो है ही बेटा, हिंज जॉइंट, ठीक है। अच्छा एक जॉइंट और बिटवीन, अब देखो फैलेंजीज के बीच में, ये पीछे नहीं जाएगी, यहां से फैलेंजीज फिक्स है। बिटवीन फैलेंजीज, फैलेंजीज के बीच वाला जो जॉइंट होता है, ये वाला जो बीच वाला जॉइंट होता है बेटा, ये हिंज जॉइंट है, ठीक है, बिटवीन फैलेंजीज, बिटवीन फैलेंजीज। तो हिंज जॉइंट के 4 एग्जांपल हो गए, ठीक है, एंकल, एल्बो, नी एंड बिटवीन फैलेंजीज, ये हिंज जॉइंट हो गए। अब ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब स्लाइड करने वाले जॉइंट। तो रिस्ट में भी ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं और एंकल में भी ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको, रिस्ट एंड एंकल। ठीक है, रिस्ट और एंकल के अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं जो ग्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं। शैडल, शैडल समझते हो, घोड़े पर बैठते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, शैडल का मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, कभी घोड़े पर बैठोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज शैडल जॉइंट। ऐसे जॉइंट को हम शैडल जॉइंट बोलते हैं। ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, मेटाकार्पल एंड थंब के बीच में, यहां पर मेटाकार्पल और थंब के बीच में, ठीक है, मेटाकार्पल और थंब के बीच में, मतलब थंब के अंदर मेटाकार्पल और कार्पल, ठीक है, ये मेरा उंगली रखी हुई ना, उंगली यहां पर, ये मेरी उंगली है, समझना मेरी बात, आप समझ पाओगे, ऊपर नहीं, यहां मेरी उंगली है, ये उंगली लगी हुई है, ये मार्कर को मैं लगाता हूं, ये दिस इज अ शैडल ज्वाइंट। मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में जो बनता है वो शैडल ज्वाइंट है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब शैडल ज्वाइंट। एक ही एग्जाम्पल है, मेटा कार्पल एंड कार्पल ऑफ थंब। बस सिंगल एग्जांपल देना है, मेटाकार्पल या कार्पल है मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है, थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में ये शटल जॉइंट देखने को मिलता है। पाइवोट, पाइवोट समझाया था ना, कुली वाला घूमने वाला जॉइंट। तो एटलस एक्सिस के बीच में पाइवोट पाइवोट और रेडियस और अल्ना के बीच में दो एग्जांपल याद लो सफिशियंट है। पाइवोट एटलस एक्सिस शटल समझा ही दिया मैंने आपको। पाइवोट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस पहला। दूसरा उदाहरण रखना बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। रेडियस अल्ना के बीच में भी पाइवोट जॉइंट होता है और एटलस एक्सिस के बीच में भी पाइवोट जॉइंट होता है। सारे जॉइंट आपके सामने हैं। ठीक है, अगर मैं समराइज करूं इसको तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे खोपड़ी के अंदर जॉइंट जो दिख रहे हैं आपको स्कल के अंदर कैसे हैं, फाइब्रस जॉइंट हैं, फ्यूज्ड हैं, इमूवेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा सेमी मूवेबल जॉइंट कहाँ होते हैं बताया भाई, सबसे पहले इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में, प्यूबिक सिम्फाइसिस और रिब्स और स्टर्नम के बीच में। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, सेमी मूवेबल इमूवेबल। अब मूवेबल जॉइंट की बात करते हैं तो मूवेबल, पहले मैं वर्टिकल कॉलम से स्टार्ट करता हूं। तो वर्टिकल कॉलम में मूवेबल जॉइंट है, कॉन्डाइलर जॉइंट, पाइवोट जॉइंट और फिर फाइब्रस जॉइंट आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहां पर क्या आ गया हिंज और यहां पर क्या आ गया पाइवोट, ग्लाइडिंग जॉइंट आ गया, ये कौन सा आ गया कॉन्डाइलॉइड और आगे कौन सा आ गया अगेन हिंज आ गया। क्लियर है बिल्कुल। पैरों में बात करते हैं तो भाई हिप के अंदर नीचे क्या आ गया अगेन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नी पर क्या आ गया हिंज जॉइंट। ठीक है, आगे एंकल में दो टाइप के जॉइंट हो गए, हिंज भी होता है और ग्लाइडिंग भी होता है। ठीक है, फिर मेटाटार्सल और फेलेंजीज के बीच में कॉन्डाइलॉइड और बिटवीन फेलेंजीज हिंज जॉइंट। सारे जॉइंट आपके सामने हैं। ठीक है, शोल्डर हिप जॉइंट हो गया, कॉन्डाइलॉइड स्कल एटलस के बीच में, मेटाकार्पल और टार्सल एंड फेलेंजीज के बीच में, हिंज एंकल एल्बो नी और फेलेंजीज के बीच में, ग्लाइडिंग रिस्ट एंड एंकल ग्लाइडिंग जॉइंट है। ठीक है, शटल जॉइंट ओनली थंब के अंदर मिलता है, पाइवोट एटलस एक्सिस के बीच में और रेडियस अल्ना के बीच में। सारे जॉइंट टिप्स पर हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पार्ट एकदम आपका पूरा कंप्लीट हो गया विद कंसेप्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा। ऑर्थोराइटिस डिसऑर्डर में तीन ही डिसऑर्डर हैं। ऑर्थो मतलब होता है जॉइंट, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा तो उसको ऑर्थोराइटिस बोलेंगे। ठीक है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी फ्लूइड का डिपोजिट हो जाना, स्वेलिंग आ जाना आर्थराइटिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पहली बात। आगे बढ़ते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन का, पोरोसिस पोर बन जाने यानी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, यानी बोन से मिनरल्स का निकल जाना। ठीक है, अक्सर कर फीमेल में लेट एज पर यह देखने को मिलता है क्योंकि पूरी लाइफ फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन रहता है। ये एस्ट्रोजन का लेवल, बढ़ा हुआ लेवल ऑस्टियोक्लास्ट, बोन को खाने वाले सेल होते हैं मैक्रोफेज, उनको सप्रेस करके रखता है। पर वो समय यानी जब मेनोपॉज वाली कंडीशन आती है तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट हाइपर हो जाते हैं और जब ऑस्टियोक्लास्ट हाइपर होते हैं तो बोन को खाना स्टार्ट कर देते हैं। बोन ईटिंग सेल है बेटा और लीड करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इनके सब फीमेल लेट एज में ऑस्टियोपोरोसिस बड़ा कॉमन है, फ्रैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, ड्यू टू लो सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाने की वजह से, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन ही ऑस्टियोक्लास्ट को सप्रेस करके रखता है। तो ये बड़ा कॉमन है। गाउट में बता चुका हूं आपको। ठीक है, गाउट क्या है बेटा, मैंने बताया था आपको गाउट। ठीक है, मसल्स वाले केस में बताया था मैंने, या शायद एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था मैंने आपको गाउट। हाँ, एक्सक्रीटरी में बताया था कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, ये अगर जॉइंट में डिपोजिट हो जाएंगे, अगर आपकी डाइट में प्यूरिन्स ज़्यादा हैं तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जॉइंट में डिपोजिट होकर इन्फ्लामेशन करते हैं, इसको गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो तीनों आपको डिसऑर्डर क्लियर है। कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोनोम। ठीक है, एनाटॉमिकल करेक्ट, एनाटॉमिकली करेक्ट क्या है भाई, क्रेनियल नर्व। 10 पेयर होते हैं ना बेटा, 12 पेयर होते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, रॉन्ग। फ्लोटिंग रिप्स 2 पेयर होते हैं, यस, फ्लोटिंग रिप्स 2 पेयर होते हैं, 11th एंड 12th, 11th एंड 12th, यस। ठीक है, कॉलर बोन 3 पेयर होते हैं ना बेटा, ठीक है 2 होते हैं, ओनली 2। ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड वन पेयर होते हैं ना बेटा, ठीक है, ये वन पेयर्स नहीं होते, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड थ्री पेयर्स होते हैं, तो करेक्ट कौन सा हो गया यहाँ पर, ठीक है, फ्लोटिंग ग्रेप्स टू पेयर। 2015 में आया क्वेश्चन है री एआईपीएमटी में, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, यानी मूवमेंट को रोकने का काम करते हैं, मतलब इमूवेबल जॉइंट। वॉलन सॉकेट तो मूव कराएगा, फाइब्रस जॉइंट, यस फाइब्रस जॉइंट कॉलिजन फाइबर के डिपोजिशन से बनते हैं, अरे क्रॉस कर दिया, फाइब्रस जॉइंट कॉलिजन फाइबर के डिपोजिशन से बनते हैं, ये मूवमेंट को रोकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट तो मूव कराएगा, कार्डलेस मूव कराएगा, सनोविल मूव कराएगा, फाइब्रस जॉइंट मूव को रोकेगा, ठीक है, इमूवेबल जॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, भाई मूवमेंट एंड लोकोमोशन तो है ही, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एराथ्रोसाइट, यस मैंने टिश्यू में बताया था, जितने भी, ठीक है, लॉन्ग बोन्स होते हैं बेटा, उनके हेड में रेड बोन मैरो होता है जो एराथ्रोपोइसिस को लीड करता है, ठीक है, एराथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, बिल्कुल भाई, जब बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो यही तो ऑस्टियोक्लास्ट बोन ईटिंग सेल कैल्शियम को बोन से रिलीज कराने का काम करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, ना बॉडी हीट का प्रोडक्शन लीवर में होता है, लीवर हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ठीक है, क्योंकि वो मेटाबॉलिक प्रोसेस तेज कर देता है, ठीक है, यानी साइकिल्स तेज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना फोर्थ होगा इसके अंदर, ये नहीं होंगे, ठीक है। तो जो पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अंडरलाइन कर लेकर पूछा क्या, नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट ये फंक्शन स्केलेटल सिस्टम का नहीं है। ग्लिनर्ड कैविटी आर्टिकुलेट, समझाया था, ग्लिनर्ड कैविटी में ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है, ठीक है, तो ह्यूमरस विद स्कैपुला, ठीक है, बिल्कुल सही। ग्लिनर्ड कैविटी आर्टिकुलेट ह्यूमरस विद स्कैपुला, बिल्कुल, स्कैपुला के अंदर ग्लिनर्ड कैविटी होती है, ह्यूमरस का हेड इसमें आर्टिकुलेट करता है। स्कैपुला विद एक्रोमियन, ना क्लेविकल विद एक्रोमियन, ना क्लेविकल विद स्कैपुला, गलत। समझ गए होगी, तभी तो समझाया मैंने इन सब चीजों को, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, फ्लूइड फील्ड बिटवीन टू जॉइंट्स प्रोवाइड कुशन, पहले यही गलत हो गया, ठीक है, कुशन प्रोवाइड नहीं करता और स्कल बोन में नहीं होता, यही गलत हो गया, वहां तो इमोबिल जॉइंट होते हैं। फ्लूइड फील्ड साइनोबियल कैविटी बिटवीन टू बोन जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सेस, बिल्कुल मोबिल जॉइंट है, ठीक है, साइनोबियल कैविटी होती है, इसमें साइनोबियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। लिम्फ फील्ड बिटवीन टू बोन, भाई टू बोन के बीच में लिम्फ नहीं होता, और ग्लाइडिंग जॉइंट ये इसमें तो होता ही नहीं है, ठीक है। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स नी जॉइंट, गलत हो गया, ठीक है, फ्लूइड कार्टिलेज नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, साइनोबियल जॉइंट होता है, नी जॉइंट इज अ साइनोबियल जॉइंट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन, भाई नीट 2013 का क्वेश्चन है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट कॉज देयर इन्फ्लामेशन, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, पहला ही मिल गया, ठीक है, इसी को तो गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 थोरैसिक वर्टिब्रा, ना बेटा 12। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इज फाइब्रस जॉइंट, ना कार्टिलेजनस जॉइंट होते हैं। अ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन नहीं एस्ट्रोजन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, ना बेटा एस्ट्रोजन। एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज, एल्बो नी क्या है बेटा, हिंज, एंकल बिटवीन फैलेंजीज, चार ही एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ये हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल है। टू 2017 का कहीं क्वेश्चन है नीट का, तो इन्होंने एक्स दे रखा है, ठीक, आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रेप्स, भाई एक्स पेयर का मतलब है 12 पेयर होते हैं ह्यूमन, ओनली वाई पेयर आर ट्रू, भाई 7 पेयर ट्रू होते हैं। सेलेक्ट द ऑप that correct represent value x and y, अब देख लो भाई 12 पेयर और 7 पेयर, 12 पेयर 5 पेयर 24, 7 गलत हो गया, 12 पेयर 7 पेयर एब्सोल्युटली राइट। यानी पूछा क्या है, x और y पूछा है, भाई 12 पेयर रिप्स होते हैं, जिसमें 7 पेयर रिप्स कैसे होते हैं बेटा, ट्रू रिप्स होते हैं। 8 9 10 यानी 3 पेयर फॉल्स होते हैं, और 2 पेयर यानी 11 12 फ्लोटिंग रिप्स होते हैं। The pivot joint between atlas and axis is a type of, it is a synovial joint, जहां मूवमेंट हो रहा है synovial joint, simple, ठीक है, जहां भी मूवमेंट है synovial joint। कार्टिलेज है कार्टिलेजनस जॉइंट, मूवमेंट नहीं है fibrous joint, simple। Select the correct batching of the types of joint with its example in human skeletal system। भाई कार्टिलेजनस joint between फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में कार्टिलेजनस जॉइंट होता है, ना बेटा फाइब्रस जॉइंट होता है। पाइवोट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, पाइवोट जॉइंट होता है, ना फर्स्ट और सेकंड के बीच में होता है। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल। अरे ह्यूमरस और पेक्टोरल गिडल में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है बेटा, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल, यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट। भाई रिस्ट जॉइंट, कार्पल, टार्सल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। मैच करो, ठीक है। टीबिया एंड फिबुला बोथ फॉर्म पार्ट्स ऑफ नी जॉइंट। समझाया था ओनली टीबिया पार्टिसिपेट करते हैं नी जॉइंट बनाने में, फिबुला का रोल नहीं है, रॉन्ग। कार्टिलेज एंड कॉर्निया, भाई कार्टिलेज एवेस्कुलर होती है, टिश्यू में कराया था। कॉर्निया में आगे कराऊंगा, आईज में ऑल्सो एवेस्कुलर। नो ब्लड सप्लाई बट डू रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेटरी नीड, यस, ठीक है। तो ध्यान रखना एब्सोल्युटली राइट। शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट टाइप्स ऑफ जॉइंट। भाई शोल्डर तो बॉल एंड सॉकेट है पर एल्बो बॉल एंड सॉकेट नहीं है, हिंज जॉइंट है। प्री मोलर एंड मोलर 20 इन ऑल एंड 3 गलत हो गया। ऑनली कौन सा करेक्ट है? सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मैचिंग करनी है, ओके, थैंक यू बेटा। तो कोशिश तो मैंने की है कि इस चैप्टर को भी एकदम ब्रेन में सेट की करूं बेटा, और कोशिश करता रहूंगा क्योंकि मुझे एक मौका मिला है इंडिया के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट। आप शायद समझो ना समझो, ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराऊं सिंगल शॉट में, सोचो सिंगल शॉट में, और जो आपके ड्रीम को, आपके पेरेंट्स के ड्रीम को मतलब पूरा करने में हेल्प करे। क्योंकि जब आप सेलेक्ट होगे आपके पेरेंट्स के चेहरे पर जो स्माइल होगी, खुशी होगी, तो वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं वो, ठीक है, हमें भी मिलती है, ठीक है। तो बस एक माध्यम है, ठीक है, इस माध्यम से कहीं ना कहीं हम वो सुपर, ठीक है, चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हर बच्चे को मतलब एक उसके ड्रीम को, उसके पेरेंट्स के ड्रीम को प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। तो उसको हल्के में मत लेना बेटा, आपके लिए जो भी हो सकता है सिंगल शॉट में बेस्ट से बेस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इस पर बिलीव करना, फेथ करना, इतना कर जाना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। तो मुझे लगता नहीं है कहीं कोई डाउट है, एक बार मैं देख लेता हूं। कोई भी डाउट अगर आपका आ रहा है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, ठीक है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट, नो डाउट ये कमेंट बहुत एनर्जेटिक होते हैं और कहीं ना कहीं बूस्ट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि पूरी एनर्जी के साथ अगला लेक्चर अगेन पूरी एनर्जी के साथ लेकर के आएंगे, और फिर सुपर से सुपर आपके लिए कंसेप्ट लेकर के आएंगे, और बस बेस्ट से बेस्ट आपको देने वाले हैं हर लेक्चर के अंदर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो क्रिस्टल क्लियर होगा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सारा आपके बोन्स क्लियर हो गए, बोन्स के नंबर क्लियर हो गए, नेम क्लियर हो गए, जॉइंट्स क्लियर हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं बचा आपका, ठीक है। इतना करके जाना 100%, बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हो। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू।